हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर ऑल ऑफ यू? अच्छे हैं? आर यू फाइन? और एक रविवार, वन मोर संडे, आपकी घरों में आने के लिए गॉड गिव्स अ पॉज टू कम टू योर हाउस। प्रभु मौका दिया, गॉड गिव्स अपॉर्चुनिटी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। देयरफॉर वी गिव थैंक्स टू गॉड। के दो हाथ, दो पल हाथ उठाइए और धन्यवाद। शैल वी जस्ट रेज आवर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस। वो धन्यवाद के योग्य, ही इज वर्दी ऑफ थैंक्स। सब कुछ महिमा के योग्य, एवरी इज वर्दी ऑफ एवरी प्रेज एंड ग्लोरी। आंखें बंद करिए, बोलिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कितने लोग आराधना की? हम फिर वर्शिप गॉड जॉन आनंद के साथ, विद ब्रदर जॉन आनंद। और आपने गवाही सुना, अमेजिंग टेस्ट, अद्भुत गवाही। इट वॉज एन अमेजिंग टेस्ट। सुनील बेटा था, इज कैंसर और एड्स से मरने वाला था, डाई ऑफ एड्स एंड कैंसर। हमारे एक मीटिंग में ही केम फॉर वन ऑफ आवर मीटिंग्स, सलाइन चढ़ाते हुए आए, ही टुक सलाइन एंड ही केम देयर। अब प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया एंड जीसस हील्ड हिम। सारी महिमा यीशु को दे, गिव ऑल द ग्लोरी टू जीसस। हमारी मीटिंग्स में, नाउ मीटिंग्स, कैंसर एड्स, देयर आर पीपल विद कैंसर एंड एड्स, लव बहने वाला, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, डॉक्टर ने रिजेक्ट किया, वेयर डॉक्टर्स हैव रिजेक्टेड। कई केसेस को प्रभु चंगा, मेनी केसेस वर हील्ड बाय जीसस। कारण प्रभु यीशु चंगा करने वाले, जीसस इज द हीलर। आज आप सुनेंगे इन वचनों को, टुडे एज यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, वो वचन भेज के आपको चंगा, ही विल सेंड फोर्थ हिज वर्ड एंड हील यू। आपकी बीमारी कुछ भी होने दे, नो मैटर व्हाट योर सिकनेस इज, मेरा यीशु चंगा, माय जीसस विल हील यू। विश्वास करने, बिलीव टुडे। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसी को बोलो किधर बैठे, ask somebody where are you healing seated? Power International, healing power international। ab taiyar hai, are you ready? Vachan likhne ke liye, write the word, bible kholne ke liye, open your bible। jab aap vachan sunega, when you hear the word of prabhu god, prabhu ki abhishek, the anointing of the lord, aapke jeevan mein will come, har jua tute, break the yoke, aap prabhu ki mahima, and god will be glorified। kya taiyar hai? are you ready? pastor selin ko hum swagat karte hain aaj ke vachan ke liye। chalo taali baja ke prabhu, prabhu ko hum dhanyavaad karenge। okay, we'll thank god। आइए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? इट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रॉर्डिनरी वर्ड। आज बहुत अद्भुत वचन होगा। एंड आई नो गॉड गोइंग टू टच योर लाइफ। आप प्रभु आपके जीवन को छुएगा। बिकॉज माय लॉर्ड सेड टू शेयर दिस वर्ड विद यू। मेरा प्रभु ने मुझसे कहा ये वचन को बांटने के लिए। सो लिसन केयरफुली। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। विद योर पेन, आपकी कलम से, नोटबुक से, एंड विद योर बाइबल, आप वचन से तैयार। गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू। प्रभु आपसे बातें करेगा। God is going to touch you। प्रभु आपको छुएगा। Hallelujah। Hallelujah। God loves you। प्रभु आपसे प्रेम करता है। Amen। Amen। Hallelujah। My topic today is। आज हमारा विषय है। Your heavenly Father loves you। आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है। You know that? आप ये जानते हैं? So say loudly। इसलिए जोर से बोलिए। My heavenly Father। मेरा स्वर्ग पिता। Loves me। मुझे प्रेम करता है। Say again। My heavenly Father, मेरा स्वर्ग पिता, loves me, मुझसे प्रेम करता है। Today you will understand fully, आप पूरी तौर से समझ में आए। What it means for the Father to love you, ये मतलब क्या है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। You will never be the same again, आप फिर वही समान नहीं रहे। Let me tell you, you will never be the same again, आप फिर वही समान नहीं रहे। The Holy Spirit is touching you right now, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इसी वक्त। I can see the anointing flowing upon your house, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके आपके घरों में बहते हुए देख। Yes। Hallelujah। Hallelujah। Shall we go to the word? आइए वचन में जाएं। Shall we read Jeremiah 31:3? यर्मिया की किताब 31 उसका 3। The Lord has appeared of old unto me। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा। Saying, मैं तुझसे, yea, I loved thee with an everlasting love। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। Therefore with loving kindness have I drawn thee। इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखूंगी। हालेलुया। हालेलुया। Did you read that? क्या आपने पढ़ा? Did you hear that? क्या आपने सुना? What did God tell you today? परमेश्वर क्या कहता है? Never forget it। कभी भूलना मत। God loves you with an everlasting love। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है अनंतकालिक प्रेम से। Shall you say loudly? God loves me। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है everlasting love। अनंतकालिक प्रेम से। Shall we say सर्वदा प्रेम से? सर्वदा प्रेम से। अनंतकालिक प्रेम से? अनंतकालिक प्रेम से। That's what God's word says। वही प्रभु की वचन कहता है। Hallelujah। Hallelujah। Maybe you've never been loved by your parents। हो सकता आपका पिता ने, माता पिता ने आपसे प्रेम नहीं किया। Or maybe when you were small till now you never had a father।
और आपके पास आपका पिता नहीं था आपके साथ. Maybe he died. हो सकता वो मरा होगा. Or he must have left you and went. हो सकता वो आपको छोड़ के गया. Or maybe you had a father. आपके पास पिता था. But he always hurt you. वो हमेशा आपको चोट पहुंचाया. And tormented you. आपको परेशान किया है. Abused you. आपको abuse किया है. And you felt so negative about yourself. और आपके बारे में आपको नकारात्मक बातें. You never heard of any good word about yourself. आपके बारे में आपने कभी अच्छी बात नहीं सुनी. Wherever you go, you think you are a failure. आप जहाँ भी जाते हैं आप सोचते हैं मैं आप पराजय हैं. And I can never make it. मैं कभी भी हो नहीं पूरा नहीं कर सकता. But today I came to tell you. आज मैं आपको बताने आया हूँ. Don't think about your heavenly father as your earthly father. What your earthly father did. जैसा आपका धरती के या शारीरिक पिता जो किया वो मत सोच के करो कि स्वर्ग पिता वही करेगा. Heavenly father is not like that. स्वर्ग पिता वैसे नहीं है. And he will not just move away from your life. आपके जीवन से वो दूर नहीं he चला. He said, I will never leave you nor forsake you. वो कहता कि कभी आपको छोड़ेगा नहीं. He says, I am with you to the end of all ages. और अनंत कालिक तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. He said, with you in this life. इस जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर आपके साथ है. After this life, you'll see him face to face. और इसके बाद आप स्वर्ग जाएंगे आप उसकी चेहरा देखेंगे. And you'll never be alone. आप कभी भी अकेला नहीं रहे. Today if you hear me, आज अगर आप सुनेगा इन वचनों को, God is going to heal your heart. आपके दिल को वो चंगा करे. You're broken inside. आप अंदर से टूटा हुआ. You're hurt inside. आप अंदर से घायल है, चोट खाए. Your mind is confused all the time. आपका मन हमेशा गड़बड़ाया हुआ है. You're so fearful. आप इतना डरे हुए हैं. Because you're saying nothing good will happen in my life. आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा मेरे जीवन में नहीं होगा. टुडे इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आज आप समझेगा, दैट योर गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव, आपका परमेश्वर सर्वदा आपसे प्रेम करता है. दिस फादर विल नेवर डाई, ये पिता कभी भी मरेगा नहीं. ही विल नेवर लीव यू, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं. दैट इज व्हाई गॉड टेल्स यू, ही प्रॉमिसेस यू टुडे. आज इसलिए परमेश्वर आपसे वादा करता है. लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, मैं अनंतकालिक प्रेम से तुझे प्रेम किया है. एंड ही सेज, आई हैव ड्रॉन यू, और मैं तुझे अपने पास खींचा हूँ. आई ड्रॉन यू, हाँ मैं तुझे अपने पास लाया हूँ. विद अ लविंग काइंडनेस, और प्रभु की भलाई से, करुणा से. He has drawn you with loving kindness. और उसने प्रेम की करुणा से आपको नजदीक लाया. Amen. Yes. Hallelujah. प्रेम की करुणा से आपको खींच लिया, नजदीक लाया. प्रेम की करुणा से आपको उसकी पास लाया. Wow. Wow. How much he loves you. कितना वो आपसे प्रेम करता. He wants you always close to him. परमेश्वर चाहता कि हम हमेशा आपके नजदीक रहें. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So our God is a loving God. हमारा परमेश्वर प्रेमालु परमेश्वर है. See, there are different kinds of love. अनेक तरह के प्रेम होता है. Greek word talks about many kind of love. ग्रीक शब्द में अनेक तरह का प्रेम को हम देखते हैं. We can see four kind of love. चार तरह के प्रेम को हम देखते हैं. First is a filial love. पहला है filial love. Filial love is a love between two friends. Filial love दो दोस्त के बीच में जो प्रेम होता है उसको. Then it talks about the eros love. इरोस लव होता है. That is a romantic love. और जो रोमांटिक लव है, between a boy and a girl or a husband wife. एक लड़का लड़की में या पति पत्नी में. Then there's a storge love. और स्टोरगे लव है. It's a between a mother and a child. माँ और बच्चे के बीच में. And then there's a fourth greatest love. और चौथा सबसे बड़ा प्रेम. Agape love. Agape प्रेम. That's the best love. और सबसे उत्तम प्रेम. Because all the other three loves. और जो बाकी तीन जो प्रेम है, दैट इज अ वेरी सेल्फिश लव. अब वो खुदगर्ज वाला प्रेम है. इट विल ऑलवेज कंसिडर आवर सेल्फ बेटर द अदर. हमेशा वो अपने आप को दूसरे से बढ़कर देखे. ऑलवेज थिंक अबाउट आवर ओन एडवांटेज, व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस. और अपना फायदा को वो देखेगा. व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. इस रिश्ते से मुझे क्या मिलेगा. व्हाट आर द बेनिफिट्स आई गेट. अब मुझे क्या फायदा मिलेगा. एंड दैट पर्सन रियली डजंट लव द अदर पर्सन. अब वो व्यक्ति सही तौर से दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता. इट इज अ मदर एंड चाइल्ड लव. हो सके वो माँ और बच्चा का प्रेम हो. दैट इज सेल्फिशनेस. वो भी खुदगर्ज प्रेम है. बट देयर इज ओनली वन लव व्हिच इज द बेस्ट. और एक ही प्रेम है सबसे उत्तम प्रेम. एंड दैट लव इज अगापे लव. अब वो प्रेम है अगापे लव. एंड दैट लव इज गॉड्स लव.
अब वो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम. एंड गॉड सेज ही लव्स यू विद दैट अगापे लव. अब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे वो प्रेम से प्रेम करता हूँ. हालेलुया हालेलुया. इवन जॉन 3:16 सेज. यूहन्ना 3:16 कहता है. गॉड सो लव्ड यू. परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया. इन द ब्लैंक यू कैन राइट योर नेम. उस जगत में अपना नाम लिख सकता है. गॉड सो लव्ड सेलिंग. आप परमेश्वर ने विल्सन से इतना प्रेम किया. उसने अपने इकलौता बेटा को दे दिया. देन यू बिलीव इन हिम. जब आप उस पे विश्वास करेगा, यू विल नॉट पेरिश. आप नाश नहीं होगा. बट यू हैव एवरलास्टिंग लाइफ. आपका अनंत कालिक जीवन होगा. इज एवरलास्टिंग गॉड. वो अनंत कालिक परमेश्वर है. ही गिव्स यू एवरलास्टिंग लव. वो अनंत कालिक प्रेम देता है. एंड ही गिव्स यू एवरलास्टिंग लाइफ. और अनंतकालिक जीवन देता. He will do anything for you. वो आपके लिए कुछ भी करेगा. He is crazy for you. क्योंकि वो आपके लिए पागल है. Yes, he loves you crazy. और वो पागल के तौर से आपसे प्रेम करता है. He is your divana. वो आपका दीवाना है. He is your lover. वो आपका प्रेमालु है. No one can compare with that love. और उस प्रेम की तुलना में किसी से आप नहीं तुलना. Today, Holy Spirit is opening our mind and heart to receive that love. आज पवित्र आत्मा आपके दिल और मनों को खोल रहा है उस प्रेम को पाने के लिए. कमिंग इनसाइड एंड हीलिंग योर हार्ट. और वो आपके अंदर आके आपके दिल को टूटा हुए दिल को वो चंगा कर रहा है. हीलिंग योर माइंड. आपकी मनों को चंगा कर रहा है. टेकिंग अवे कंफ्यूजन. आपके गड़बड़ी वाला जीवन को निकाल दे रहा है. इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी. वो आपके जीवन में सही मन दे रहे हैं. हालेलुया हालेलुया. नो मैटर हु यू आर. आप कोई भी होने दे. हाउ यू आर. कैसे भी होने दे. Wherever you are. कहाँ भी रहने दे. God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता है. God is calling you. यीशु आपको बुला रहा है. He loves you. यीशु आपको बुला रहा है. You may be a adulteress. हो सकता है व्यभिचार किए हैं. You may be a murderer. हो सकता है आप हत्या किए हैं. You may be a drunkard. हो सकता है आप नशा करते हैं. Whoever you are. कौन सा भी आप. Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम. Maybe you don't know Jesus till now. आज तक आप यीशु को नहीं जानते. I've come to give you a good news. मैं आपको अच्छी खुशखबरी देने आया. I've come to introduce you your heavenly father. मैं आपको पिता परमेश्वर जिसने आपको बनाया उसके पास ले जाने के लिए. He will love you with an everlasting love. वो आपसे अनंतकालिक प्रेम करता है. That love is enough. वो प्रेम काफी है. It will make you forget all your sins. आपकी सारी पापों को भुला देगा वो. And you'll run after Jesus. वो यीशु मसीह के पीछे भागेगा. Hallelujah. Hallelujah. You want that love? क्या आपको वो प्रेम चाहिए? Listen what I'm saying. आज मैं जो बोल रहा हूँ सुनो. Listen carefully what I'm saying. ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ. My God loves you with an everlasting love. मेरा परमेश्वर आपको अनंतकालिक प्रेम से प्रेम करता है. And he's drawn you with an ever-loving kindness. और उसके पास भलाई के लिए करुणा के लिए आपको बुला रहा है. Hallelujah. 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 I love my children. मैं अपनी बच्चों से प्रेम करता हूँ. I have two daughters. मेरे दो बेटियाँ हैं. I just love them. हाँ मैं उन्हें प्रेम करता हूँ. I love them. मैं उन्हें प्रेम करता हूँ. They are born from me. क्योंकि वो मुझसे पैदा हुआ. And they belong to me. वो मेरा है. That's why I love them. मैं उनसे प्रेम करता हूँ. They don't have to do anything to please me. अब वो कुछ भी करने की दरकार नहीं मुझे. My love doesn't become high or low because of what they do. अब वो जो करते हैं उसके द्वारा मेरा प्रेम कम और बढ़ता नहीं. और व्हाट दे डोंट डू. और जो नहीं करते. आई जस्ट लव देम. मैं उन्हें प्रेम करता हूँ. व्हेन दे वर स्मॉल. जब ये छोटे थे. व्हेन दे शुड गो टू गार्डन. आई शुड टेक देम टू गार्डन. अब मैं उन्हें बगीचा में लेके जाता हूँ. सो मेनी चिल्ड्रन देयर. और अनेक बच्चे हैं उधर. एंड आई मे बी आई एम टॉकिंग टू समबडी. मैं किसी से बात कर रहा हूँ. एंड सडनली आई हियर मम्मी. और तुरंत मैं आवाज सुनता हूँ मम्मी. नो मैटर हाउ मच बिग क्राउड इट इज. कितने भी बड़े भीड़ होने दे. आई कैन रिकॉग्नाइज माई चिल्ड्रंस वॉइस. मैं अपनी बच्चों की आवाज सुन. आई वुड रन टू देम. पहचान सकता हूँ और मैं दौड़ के जाता हूँ. यस आई से यस बेटी आई एम हियर. बोलो बेटी मैं इधर हूँ. यस दैट्स वे गॉड लव्स यू. उसी तरह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. यू कैन नॉट चेंज हिज लव फॉर यू. आपके प्रेम जो आपके परमेश्वर के प्रेम आपके तरह है उसे बदल नहीं सकता. व्हाट यू डोंट डू. जो आप करता है जो नहीं करता है. डजंट चेंज गॉड्स लव फॉर यू. वो परमेश्वर की प्रेम आपके लिए बदलता नहीं. सेम. उसका प्रेम हमेशा समान है. योर्स फॉरएवर. वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा. इट इज अनलिमिटेड. वो असीमित है. अगापे लव फॉर यू इज अनकंडीशनल. और वो शर्तहीन है. इट्स अनमूवेबल. वो बदलता नहीं. अनचेंजेबल. वो बदलता नहीं. इट डजंट चेंज. इट डजंट मूव. वो हिलता नहीं बदलता नहीं. इट इज सेम. वो वही समान. लव यू स्टिल इन सेम वे.
कल भी उसी तरह आपसे प्रेम करेगा। लव यू टुडे द सेम वे, आज भी उसी तरह प्रेम करेगा। फादर लव्स यू टुमारो द सेम वे, कल भी उसी तरह प्रेम करेगा। यू मे से आई हैव डन बैड थिंग्स, हो सकता है आप बोलेंगे मैं बुरा किया। आई एम अ बैड पर्सन, मैं एक बुरा व्यक्ति हूं। नोबडी लव्स मी, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। टॉक्स टू मी, कोई मुझसे बातें नहीं करता। माय फादर लव्स मी, मेरा पिता आपसे प्रेम करता। फादर लव्स यू सो, मेरा स्वर्ग पिता आपसे बहुत प्रेम करता। ही इज होल्डिंग यू क्लोज टू हिज हार्ट, अपने दिल के पास आपको रखा है। ही पुट्स ऑल हिज अफेक्शन अपॉन यू, आप उसके सारी प्रेम को आपके ऊपर उंडेल। फॉर हिम यू आर अ ग्रेटेस्ट ट्रेजर, और परमेश्वर के लिए आप बहुत बड़ा धन है। यू आर अ स्पेशल ट्रेजर, आप बड़ा धन है उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। Aren't you happy today? क्या आप खुश है आज? To discover this great love, इस प्रेम को आप खोजबीन करने के लिए। The eternal love, अनंतकालिक प्रेम। A father who is crazy for you, एक पिता जो आपके लिए पागल है। Who cannot stop loving you, वो कभी भी आपसे प्रेम नहीं करता। Hallelujah. Everybody's love will end, सबका प्रेम खत्म हो जाएगा। Everybody will go away, सब चला जाएंगे। My father mother loves me so much, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते। But they both died and went away, अब वो दोनों मर के चला गए। But my heavenly father will not leave me, मेरा स्वर्ग पिता मुझे छोड़ेगा। He is forever with me, वो हमेशा के लिए मेरे साथ है। He is ever with you, वो हमेशा आपके साथ है। Hallelujah 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 Hallelujah. And he gave his son in exchange for you, और उसने अपना बेटा को आपके बदले दे चुका है। He made his son as a sacrifice, और उसके बेटे को आपके लिए बलिदान और कुर्बानी कर दिया। अब्राहम पुट हिज सन ऑन द ऑल्टर, जिस तरह अब्राहम ने अपने बेटा ईसा को वेदी में डाला। The heavenly daddy from the heaven, स्वर्गीय पिता स्वर्ग से, send his son to the earth, उसने अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह जा, my children are dying in sin, मेरे बच्चे पाप में मर रहे हैं। They are going to hell, वो नरक जा रहे हैं। I can't bear it, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't see that, मैं उसे देख नहीं सकता। Go and save my children, जाओ मेरे बच्चों को बचाओ। Show them my love for them, और दिखाओ मेरे प्रेम उनके लिए। Therefore when Jesus came on this earth, इसलिए जब यीशु मसीह धरती पे आया, he came to reveal his father to us, और उसने अपने पिता को प्रकट करने आया। He said, My father knows me, मेरा पिता मुझे जानता है। I know my father, मेरा पिताजी को मैं जानता हूँ। I know my father, मैं अपने पिताजी को जानता हूँ। And I will reveal to everyone, मैं सबको बताऊंगा। I will reveal my father, मैं अपने पिता को प्रकट करूँ। Whom I want to reveal, जिनको मैं प्रकट करना चाहता हूँ। Today Jesus revealing his father's love to you, और यीशु मसीह अपने पिता के बारे में आपको बता रहा है। And Jesus everything what his father was, और यीशु मसीह वो सब कुछ है जो पिता है। Whatever he heard his father say, जो उसका पिता कहता है वो सुना। Only that he said, वही वो बोलता है। Whatever he saw his father do, और जो भी पिता करते हुए देखता That's है what he did, वही वो किया। He never did extra, और कुछ वो अधिक he नहीं do less, कुछ कम he नहीं did किया। The same way what his father वो जिस तरह पिता करते उसी तरह did him, और उसे उसके साथ चलता। That's why he told Philip, इसलिए वो फिलिप से कहा। फिलिप इज डिसाइपल, फिलिप उसका चेला ने। टोल्ड जीसस, जीसस शो अस द फादर, और मुझे मेरे पिता को दिखाओ। प्लीज शो अस द फादर, हमारे स्वर्गीय पिता को दिखाओ। जीसस टोल्ड हिम, यीशु ने उनसे कहा, इफ यू हैव सीन मी, अगर तू मुझे देखा, यू हैव सीन द फादर, तुम मेरे पिता को भी देखा है। डोंट यू नो, आप नहीं जानते, माय फादर एंड आई आर वन, मेरा और मैं और मेरा पिता एक है। आई रिवील माय फादर्स कैरेक्टर टू यू, मैं अपने पिता के स्वभाव को आपको प्रकट करूं। आई हैव लव्ड यू, जिस तरह मैंने तुझसे प्रेम किया। फादर लव्स यू, पिताजी तुमसे प्रेम करता है। आई एम सुपरनैचुरल, मैं सुपरनैचुरल, माय गॉड इज, माय फादर इज सुपरनैचुरल, मेरा पिता सुपरनैचुरल है। हालेलुया हालेलुया। सो जीसस वाज जस्ट लाइक हिज फादर, यीशु मसीह जिस तरह पिता है उसी तरह था। द सेम मैनर, उसी तरह, यू आर जस्ट लाइक योर फादर, आप भी उसी डैडी के समान है। जस्ट लाइक योर हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता के समान है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डू यू नो गॉड्स लव, आप क्या प्रभु का प्रेम को जानते हैं? डू यू नो हाउ वी नीड टू नो गॉड्स लव, आप जानते हैं हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द वर्ड टू नो, और वो शब्द उसे जानना, कम्स फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड गिनोस्को, और उस ग्रीक शब्द यात्रा गिनोस्को, एंड हिब्रू वर्ड यदा, और इब्रानी भाषा यदा। गिनोस्को मीन्स, गिनोस्को मतलब टू नो गॉड इंटीमेटली, आप परमेश्वर को गहराई से जानना। टू अंडरस्टैंड हिम, परमेश्वर को समझना। टू नो हिम कम्प्लीटली, परमेश्वर को पूरी तौर जानना। टू नेवर डाउट हिम, कभी भी परमेश्वर को शक न करना। अंडरस्टैंड हिम, उसे समझना। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो गॉड,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर को जाने, यू नो गॉड, आप परमेश्वर को जानेगा, यू विल ओपन योरसेल्फ टू रिसीव हिज लव, और आप अपने आप को खोल देगा ताकि उसकी प्रेम को आप पा सकें। यू आर टेलिंग आई एम अ बिलीवर फॉर सो मेनी इयर्स, आप बोलता होगा मैं विश्वासी हूँ कई सालों से, बट आई डोंट फील हिज लव, मैं उसकी प्रेम को नहीं महसूस कर रहा, so ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर है। But let me tell you dearly beloved, मैं भाई और बहनों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, yes, that God loves you, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, today you will know his love, आज उसकी प्रेम को आप जानेगा, praise the Lord, hallelujah, he loves you unconditionally, वो आपको शर्त के बिना प्रेम करता है, he loves you unlimited, असीमित कोई सीमा नहीं, उसी तरह प्रेम करता है, unchangeable, उसका प्रेम कभी भी बदलता नहीं, with a crazy love, वो क्रेजी पागल जैसा प्रेम करता है, he is your दीवाना, वो आपका दीवाना है, he is your lover, वो आपका प्रेमालु है, no one on this earth can love as he loves, जितना प्रभु प्रेम करता कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, so please receive his love, और इसलिए उस प्रेम को पाइए, when you receive his love, जब आप उस प्रेम को पाएगा, get confidence today, आपको जोश आएगा, you will be bold as a lion, आप शेर के समान धैर्यशाली, you will know your identity, आप अपनी पहचान को जानने लगे, doesn't want you to know who you are, your identity, शैतान नहीं चाहता कि आप कौन है आप पहचाने, always you think you're a failure, हमेशा आपको सोचवाते हैं कि आप फेलियर हैं, मैं साधारण हूँ, जीरो, मैं शून्य हूँ, I'm nothing, मैं कुछ भी नहीं, let me tell you today, पर आज मैं आपको come here to tell you today, आज मैं आपको बताने आया, once you know your father's love, जब आप पिता का प्रेम को जानेगा, you become bold, आप धैर्यशाली हो जाए, never fear, आप कभी डरेगा, never doubt, कभी भी शक नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस, योर फादर आंसर्स योर प्रेयर, आपको ये जोश आएगा कि आपका पिताजी आपका प्रार्थना को सुनता है, एवरी प्रेयर विल बी आंसर्ड, आपकी सारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, यू विल नेवर बी द सेम अगेन, आप फिर वही समान नहीं रहे, यू विल बी अ सक्सेस, आप विजयी होगा, इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, आपके स्कूल में, कॉलेज, इन योर वर्क प्लेस, नौकरी करने की जगह, यू विल बी नंबर वन बिजनेसमैन, आप नंबर वन व्यापारी व्यक्ति, यू वॉक इन द सुपर नेचुरल, आप सुपर नेचुरल में चलने लगे, बिकॉज यू नो दैट योर फादर लव्स यू, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है, हालेलुया, हालेलुया, टुडे वी विल नो आवर फादर लव्स अस, आज हम जानेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, हाउ डू आई नो माई फादर लव्स मी, कैसे मैं जानता हूँ कि मेरा पिता मुझसे प्रेम, पहली बात, ही वाज मेड मी इन हिज इमेज एंड लाइकनेस, पहली बात परमेश्वर ने अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया, जेनेसिस 1:26 says, उत्पत्ति 1:26 कहता है, गॉड हैज मेड मी इन हिज इमेज एंड लाइकनेस, परमेश्वर की समानता में मुझे और आपको बनाया, ही डिडंट मेड मी लाइक अ मंकी, और हमको बंदर जैसा नहीं बनाया, ही डिडंट मेक मी लाइक अन एंजल, हमें दूत जैसा नहीं बनाया, ही डिडंट मेक मी ऑर्डिनरी, हमको साधारण नहीं बनाया, ही मेड मी लाइक हिमसेल्फ, परमेश्वर ने अपनी तरह हमको बनाया, माई स्टाइल इज लाइक गॉड, मेरा स्टाइल जो है यीशु मसीह जैसा है, माई वॉक इज लाइक गॉड, मेरा चाल चलन यीशु मसीह जैसा, माई स्पीच इज लाइक माई लविंग फादर, मेरा बोली मेरा पिता परमेश्वर के जैसा, आई थिंक लाइक माई फादर, मैं सोचता हूँ परमेश्वर के जैसा, आई हैव ग्रेट आइडियाज, मेरे पास बड़ी आइडियाज है, बिकॉज माई फादर हैज ग्रेट आइडियाज, क्योंकि मेरे पिताजी के पास बड़े आइडियाज, हालेलुया, हालेलुया, आई वॉक इन द सुपर नेचुरल, मैं सुपर नेचुरल में चलता हूँ, आई विल नेवर बी द सेम अगेन, मैं कभी भी वही समान नहीं रहूँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यू आर जस्ट लाइक योर फादर, आप अपने पिताजी के समान, यू आर नॉट बॉर्न फ्रॉम अ मंकी, आप बंदर से नहीं आए, इफ यू थिंकिंग यू वांट टू बी अ मंकी यू कैन बी, आप सोचना चाहते हैं कि आप बंदर से आए तो सोचिए, यू कैन नेवर बी अ मंकी, आप कभी भी बंदर नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर मेड फ्रॉम गॉड, आप परमेश्वर से बनाए गए, यू आर हिज इमेज, आप उसका आपका आप परमेश्वर के समान है, यू आर इन हिज लाइकनेस, और उसकी समान है, हालेलुया, हालेलुया, दैट्स व्हाई डेविल हेट्स यू, इसलिए शैतान आपसे नफरत करता है, दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू पोक यू, इसलिए वो उंगली करता है, दैट्स व्हाई ही ट्राइज टू पुल यू, इसलिए वो आपको नीचा गिराता है, मेक्स यू फील सैड एंड बैड, और आपको हमेशा दुखी और खेदित करना चाहता है, बट लेट मी टेल यू माय फादर लव्स यू, मैं आज बताना चाहता हूँ कि मेरा पिताजी आपसे प्रेम करता है, एंड यू आर मेड इन हिज इमेज, आज उसकी समान आपको बनाया, व्हेन ही लुक्स एट यू, जब वो आपको देखता है, वाओ, वाओ, माय सन लुक्स लाइक मी, मेरा बेटा मेरे समान दिखता है, माय डॉटर लुक्स लाइक मी, मेरा बेटी मेरे समान दिखता है, सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत, सो हैंडसम, कितना हैंडसम, नोबडी लाइक माय चाइल्ड, मेरा बच्चे जैसा कोई नहीं, हालेलुया, विल यू टेल लाउडली,
कि आप जोर से बोले आई लुक लाइक माई हेवनली फादर, मैं स्वर्गीय पिता जैसा दिखता हूं, जस्ट लाइक हिम, मैं उसी के समान, माय स्टाइल इज लाइक हिम, मेरा स्टाइल यीशु मसीह जैसा, आई लव लाइक हिम, मैं यीशु मसीह जैसा प्रेम करता हूँ, आई विल नेवर बी द सेम अगेन, मैं कभी भी वही समान नहीं, माय फादर लव्स मी, मेरा पिताजी मुझसे प्रेम करता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सेकंड थिंग, दूसरी बात, दैट यू नो योर फादर लव्स यू, क्या आप जानते हैं कि आपका पिता आपसे प्रेम करता है, बाय दिस that he has a great calling and purpose for your life. क्योंकि इसके द्वारा ये जान सके कि आपके ऊपर प्रभु ने बहुत बड़ी बुलाहट और मकसद रखा है. Yes, he has a great purpose for your life. आपके जीवन में प्रभु मकसद रखा है. You are not ordinary. आप साधारण नहीं. You are supernatural. आप supernatural. You are supernatural. आप supernatural है. You have a great calling. आपके पास प्रभु की बड़ी बुलाहट है. Jeremiah 1:5 says. यर्मिया 1:5 कहता है. Before you were born in the mother's womb. आप माँ के कोख में पैदा होने से पहले. God knew you. परमेश्वर आपको जानता है. He knew you. वो आपको जानता है. And he made a great plan for your life. आपके जीवन के लिए बड़ी योजना बनाई. Just like he made Jeremiah a prophet. यर्मिया को प्रॉफिट भविष्यवक्ता बनाया. So he has made you a great leader. आपको बहुत बड़ा अगुआ बना. ग्रेट कॉलिंग फॉर योर लाइफ. आपके जीवन में बड़ी बुलाहट है. हालेलुया, हालेलुया. यू आर सुपरनैचुरल. आप सुपरनैचुरल है. हालेलुया, अलौकिक है. Genesis 26 says. उत्पत्ति 26 कहता है. He has given you dominion. आपको राज्य करने का अधिकार दिया. He has given you authority. आपको अधिकार दिया है. Over the three atmosphere. तीन मेघों में आपको अधिकार दिया है. Which is the three bundle? और तीन मंडल कौन सा है? The heavens, स्वर्ग, earth, धरती, and marine, और समुद्र में. Hallelujah! In these three places, He gave you authority. इन तीन जगहों पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया. Do you know in these three places demons exist? आप जानते हैं इन तीनों क्षेत्रों में दुष्ट आत्मा वास करते हैं. Because Adam sold his authority into Satan's hands. क्योंकि आदम ने अपने अधिकार को शैतान के हाथों में बेच दिया. These three was supposed to be Adam's property. और ये तीन मंडल आदम की अधिकार में होना चाहिए. That's why he said, let us make man in our image and likeness. और इसलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपनी समानता और रूप में बनाएं. उत्पत्ति 1:26. So that they have dominion. ताकि वो राज्य करें. About on the fowls of the air, on the heavens. और स्वर्गों में. And the fishes in the sea. और समुद्र में मछलियों पर. And on every creeping things on the earth. और धरती में रेंगने वाले हर जंतुओं पर राज्य करें. डोमिनियन ओवर द एटमोस्फियर ऑफ थ्री मंथ थ्री प्लेसेस थ्री मेघों के क्षेत्रों में आपको प्रभु राज्य करने के लिए ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन दैट एटमोस्फियर और उस क्षेत्र में जो भी चीज है उस पर अधिकार रखने के लिए गॉड हैज गिवन अथॉरिटी प्रभु आपको अधिकार दिया सेम अथॉरिटी विच एडम सोल्ड टू सैटन जो अधिकार आदम ने शैतान को बेच दिया जीसस bought it back एंड गिव इट टू यू और यीशु मसीह ने उस अधिकार को शैतान से वापस छीन कर आपको दिया His son, give my children back his authority. पिता ने यीशु मसीह से कहा कि मेरे अधिकार को वापस अपने बच्चों को दे दे. Whatever he heard the father say, he did it. और जो भी परमेश्वर ने पिता से जो सुना यीशु मसीह वही किया. So don't be afraid. इसलिए मत डरो. You have to rule and reign. आपको राज्य करने का. In the heavens. स्वर्गों में. On the earth. धरती में. In the marine. और समुद्र में. In the marine kingdom. मरीन राज्य में. All the three areas are yours. और सारी तीन क्षेत्रों आपका है सेटन कैन नॉट डोमिनियन ओवर यू शैतान आप पर राज्य नहीं कर सकता यू आर इन द गॉड्स किंगडम क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य नो लॉन्गर इन द डेविल्स किंगडम आप शैतान के राज्य के नहीं है एंड द पर्पस फॉर योर लाइफ जीसस आपके जीवन का मकसद क्या है जेनेसिस 1:28 सेज उत्पत्ति 1:28 टू बी फ्रूटफुल फलदायी हो ही सेड बी फ्रूटफुल उसने कहा आपको फलदायी हो एज सून एज ही मेड एडम एंड ईव आज जब वो आदम और हव्वा को बनाया as he created you, आज जब आपको वो बनाया he gave you the ability to be fruitful, आपको वो अधिकार और सामर्थ्य की फलदायी हो to be to multiply, गुणवंत होने के लिए whatever you do, you will multiply, जो भी आप करेगा उस पर गुणवंत होगा your business will multiply, आपका बिजनेस गुणवंत होगा your promotion will multiply, आपका प्रमोशन गुणवंत होगा your salary will multiply, आपका सैलरी गुणवंत होगा you get the highest mark in your school and college, आपके स्कूल और कॉलेज में नंबर वन होगा wherever you go, you'll be number one, आप जहाँ भी जाएंगे आप नंबर वन होगा because you are meant to be fruitful and multiply, क्योंकि आपको परमेश्वर फलवंत होने के लिए और गुणवंत होने के लिए बनाया है दिस ऑल थिंग्स सैटन हैज हिडन फ्रॉम यू और ये सारी बातें शैतान ने आपको छिपा दिया है
That is why you are a failure. इसलिए आप पराजय हैं. Therefore you can't do it anything rightly. और इसलिए आप कुछ भी काम सही तौर से नहीं कर सकते. I tell you, if you recognize your father's love for you, अगर आप आज पिता के प्रेम को पहचानेगा, you will never be the same again. आप वही समान नहीं रहेगा. Hallelujah. Now you understood what your purpose and calling is. आपका मकसद और आपका बुलाहट क्या, आप समझे? One more thing, God will never take His calling back from you. आप परमेश्वर उसकी बुलाहट जो आपके ऊपर है वो वापस नहीं लेते. That's what Romans 11:29 says. और रोमियो की किताब 11:29 कहता है. God never takes His gift and call back. आप परमेश्वर अपने तोहफा और वरदान को वापस नहीं लेता. बुलाहट को वापस नहीं. Never take it back. वो कभी वापस नहीं लेता. Hallelujah. God says in Jeremiah 29:11. यर्मिया 29 उसका 11. For I know the plans I have made for you. मैं जानता हूँ जो योजना और युक्ति मैं तेरे लिए. Listen what your daddy is saying. आज सुनिए पिताजी क्या कहना चाहता है. I know the plans I have made for you. मैं जानता हूँ जो योजना मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ. To prosper you. तुम्हें बरकत देने के लिए. Oh, to give you a future and hope. और तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए. Not for your plans are not for calamity. उसका प्लान्स और युक्ति आपके लिए गड़बड़ी के लिए नहीं है. Not for evil. और दुष्टता के लिए नहीं. But for good. पर भलाई के लिए. Say, my father's plan for me is good. और मेरा पिता का योजना मेरे लिए अच्छा है, भलाई and के I'm लिए. Going to walk in that plan and purpose. मैं उस प्लान और मकसद में चलूंगा. Till now you have been walking in Satan's plans. आज तक हो सकता है आप शैतान की प्लान युक्ति में चल रहा था. That is why you are a failure. इसलिए आप पराजय हैं. Because the devil condemned you in your mind. और आपके मनों में शैतान ने दोष लगाया. He programmed your mind in the wrong ways. आपके मनों को वो गलत तरीका से प्रोग्राम किया. That's why the output was wrong. इसलिए उसका जो फल था वो गलत है. Now put, may you be able to receive the Father's love. और हो सकता है आज परमेश्वर की प्रेम को आप पाए. So you can walk 100% in the plan and purpose God has given you. ताकि परमेश्वर की मकसद और युक्ति पर आप 100% चले. Because you shall not die without doing God's perfect will for you. परमेश्वर की सही इच्छा को बिना जाने मरने का नहीं. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Say loudly, Heavenly Father loves me. इसलिए जोश से बोलिए, स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है. My Heavenly Father loves me. मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Third. तीसरा. First we saw. अब पहले आपने देखा. My Heavenly Father loves me. मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है. He has made me in his image and likeness. और उसने मुझे अपने समानता स्वरूप में बनाया. My Heavenly Father loves me. दूसरा, मेरा परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम करता है. He has made a wonderful plan for my life. मेरे लिए अद्भुत प्लान बनाया. Third. तीसरा, My Heavenly Father loves me. मेरा पिताजी मुझसे प्रेम करता है. That's why he has adopted me into his royal family. और उसकी राज्य पद अधिकारी में मुझे स्वीकार किया. In his family. और उसके परिवार में. I am the royal family member. मैं राज्य पदाधिकारी की सदस्य हूँ. In their family. और उसके राज्य में, उसके परिवार. Romans 8:15 says. रोमियो 8 उसका 15 कहता. Shall we read it? रोमियो 8:15. Yes, shall we read it? रोमियो का किताब 8:15. Romans 8:15. Did you get it? क्या आपको मिला? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली. So you not received the spirit of bondage again to fear. कि फिर भयभीत हो. But you have received. परंतु लेपालकिन की आत्मा मिली. The spirit of adoption. जिसे हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार. We cry Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. You hear that? क्या आप सुना? You don't have a spirit of fear. आपको डर की आत्मा नहीं. That brings you again to bondage. आप गुलामी के लिए नहीं, दासत्व के लिए नहीं. But you have a spirit of adoption. आपको लेपालकपन की आत्मा मिला है. Which enables you to cry Abba Father. जो आपको अंगीकार कराता है कि ये अब्बा, ये पिता. Hallelujah. Hallelujah. Matthew 6:9 says. मत्ती 6 उसका 9 कहता है. Jesus told us. यीशु मसीह ने मुझसे कहा. Call God Papa. आप परमेश्वर को पापा करके बुलाएं. My Father. मेरा स्वर्गीय पिता. Jesus never said he is my father. और उसने कभी नहीं कह रहा मेरा पिता. He didn't say you say Jesus father. यीशु मसीह का पिता नहीं कहा. He said say your father. आपका पिता. Hallelujah. So God is our father. परमेश्वर हमारा पिताजी. Hallelujah. Hallelujah. Do you know what is the most best and holy name of God? आपको मालूम है परमेश्वर की पवित्र नाम क्या है? Yes, he is Almighty God.
वो सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट गॉड, सर्वव्यापी परमेश्वर, प्रेजेंट गॉड, सब जगह उपस्थित परमेश्वर, ओमनीशियंट गॉड, सबसे पावरफुल परमेश्वर, वो अल शद्दाई परमेश्वर, यावे वो एलोहिम है वो। दीज वर्ड्स आर गुड टू सी, ये शब्द बोलने के लिए अच्छा लगता है। मे बी व्हेन यू प्रे यू से ओ एल शद्दाई, हो सकता है प्रार्थना में कहेंगे एल शद्दाई अलोनी, but that will not touch God's heart so much. अब वो प्रभु के दिल को नहीं छूता। But when you say, जब आप कहते हैं पापा पापा डैडी डैडी ओ his heart is filled, उसका दिल भर जाता है, his eyes are filled, उसकी आंख भर जाता है, he say, oh my child is calling me, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, he will stop all other phone calls, सारी फोन कॉल्स को बंद कर दे, even if the praise and worship is going on in the heavens, स्वर्गों में स्तुति और आराधना चल रहा है, oh you know the angels praise and worship God every time, 24 घंटा दूत लोग प्रभु की स्तुति आराधना करता है, and it's what a music, आप कितनी अद्भुत म्यूजिक है, स्वर्गीय आवाज है, व्हाट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कितनी अधिक वादी, आई टेल यू, मैं आपको बताऊं, नथिंग कैन टच द फादर्स हार्ट, कुछ भी प्रभु के दिल को नहीं छूता, ओनली वन वर्ड टचेस हिम, सिर्फ एक शब्द उसे छूता, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ, दुनिया की गहराई से, इन एनीवेयर इन द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, दुनिया की कोई भी कोना से, वन ऑफ हिज चाइल्ड, जब उसका बेटा बेटी, यू एंड आई, जब आप और हम, मैंने से पापा, जब हम कहते हैं पापा, डैडी डैडी, ही सेज यस बेटा, अब वो कहता हाँ बेटा, व्हाट डू यू वांट, तुझे क्या चाहिए, हालेलुया हालेलुया, ही सो फिल्ड, वो इतना भरा है, ही जस्ट लव्स टू हियर इट, वो सुनना चाहता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वी आर सो प्रिविलेज्ड दैट वी कैन कॉल गॉड आवर फादर, और अब हम कितने आशीष वाले व्यक्ति जो परमेश्वर को पिता करके बुला सकते हैं। I remember once when I was sharing the gospel with a brother, जब मैं एक भाई से प्रभु की सुसमाचार बांट रहा था, he was a Muslim brother, वह एक मुसलमान भाई थे, my friend and I when we were in the college, God told us, God showed me, go and share with his brother, और परमेश्वर ने हम मेरे साथ दोस्त थे, हमको बोला कि जाके इस भाई को यीशु मसीह के बारे में बता, and we never knew he was a Muslim, और हम नहीं जानते थे वो मुस्लिम है, so we told him, brother, we want to tell you about something, और हमने उस भाई से बोला भाई हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, what is your name, आपका नाम क्या है, he said अब्दुल्ला, और उसने बोला अब्दुल्ला, said, oh my, अब्दुल्ला, घबरा गए अब्दुल्ला बोला, believe hear our gospel, क्या वो हमारी सुसमाचार को सुनेगा, they are so strong, अब वो कितने कठोर रहते हैं, हालेलुया, so when I told we want to talk about Jesus to you, और हमने उनसे कहा कि हम यीशु मसीह के बारे में आपसे बातें करना है, he said, I like that, और उसने बोला मैं वो पसंद करता हूँ, I am searching for the truth, मैं सच्चाई को ढूंढ रहा हूँ, see how God knows every heart, कैसे परमेश्वर सबके दिल को जानता है, and he heard us, और उसने हमें सुना, very happy, बहुत खुश हुआ, and he said, please pray for me, हमारे लिए प्रार्थना करो, I want a scholarship, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, if I get the scholarship, अगर मुझे स्कॉलरशिप मिले, I believe Jesus Christ is Lord, अब मैं विश्वास करूंगा यीशु मसीह प्रभु, I'm searching for the true God, हम सही परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, and then we prayed for him, और हमने उनके लिए प्रार्थना, and we said heavenly daddy, हमने कहा है स्वर्गीय पिता, in Jesus name, यीशु के नाम से, please give Abdullah the scholarship, अब्दुल्ला को प्लीज स्कॉलरशिप दीजिए, we prayed and we ended, और हमने प्रार्थना किया और खत्म किया, and he looked at us, और उसने हमें देखा, this is where he looked, ऐसा देखने लगा हूँ, he said what happened, क्या हुआ, just now I heard you calling God father, और आपने परमेश्वर को पिता करके बुलाया, I can't imagine this, मैं ये सोच भी नहीं सकता, in our religion, हमारी धर्म में, Muslims में, we will not call God father, और हमें अपने परमेश्वर को पिता करके, are कभी you calling नहीं, God father, आपने अपने पिता परमेश्वर को पिता, I like that very much, और मुझे बहुत पसंद आया, we can't dare to call him father, और हम परमेश्वर को पिता करके बुला नहीं सकता, इट्स वंडरफुल, और कितनी अद्भुत है, आई लाइक दैट प्रेयर, मैं मुझे वो अच्छा लगा, एंड वी वर सो फीलिंग सो सैड फॉर हिम दैट ही डजंट नो गॉड एज अ फादर, और हमें दुख हो रहा था कि वो परमेश्वर को पिता जैसे नहीं जानते थे, टू मेक द स्टोरी शॉर्ट, और उस कहानी को छोटा करके, अब्दुल्ला गॉट द स्कॉलरशिप, अब्दुल्ला को हम जैसे प्रार्थना किया स्कॉलरशिप मिला, वेरी हैप्पी,
बहुत खुश हुआ. He received Jesus Christ into his life. यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रभु करके माना. Now he's a great pastor and a great gospel worker in Lebanon. लेबनन में सबसे बड़ा पास्टर के तौर से सेवकाई कर रहे हैं. Writing books on Jesus. और यीशु मसीह के नाम से वो किताब लिख रहे हैं. He also did PhD on religion. और धर्म में उसने पीएचडी किया. And he made a comparison. और उसने तुलना किया. और अल्लाह एंड जीसस लव. ये अल्लाह और यीशु मसीह के बारे में बताया. It is published. अब वो पब्लिश किया. हालेलुया. हालेलुया. We are so privileged that we can call God our Father. और हम कितना खुश है कि परमेश्वर को हम पिता करके बुलाते हैं. The Jewish people. यहूदी लोग. Muslim people. मुसलमान लोग. Many other religion. अनेक धर्म. Will never dare to call God Father. कभी भी परमेश्वर को पिता करके बुलाएंगे नहीं, पुकारेंगे. God is very far away. वो सोचते कि परमेश्वर बहुत दूर है. And he's the one who's going to punish them when they sin. और जब वो पाप करेगा वो दंड देगा. There's so strict punishments in Muslim countries. मुस्लिम राज्यों में देखिए पाप करता है तो दंड देते हैं. Even in Jewish they stone them to death. और यहूदी में भी जो पाप करते हैं उसे पत्थर मार के मार देते थे. So we are so privileged, we know God as our Father. हमें कितनी उत्साह है कि हम परमेश्वर को पिता करके जानते हैं. Hallelujah. Hallelujah. And not only that, God has adopted us into His family. परमेश्वर ने दत्त लिया अपने परिवार में. In Roman culture. रोमियो के कल्चर में. When a person is adopted into a new family. एक परिवार में एक व्यक्ति को दत्त लेते हैं. Now listen carefully. When a person is adopted into a new family. इसलिए ध्यान से सुनिए. एक व्यक्ति को जो परिवार में दत्त लेते हैं. All his rights of the old family is cancelled. और उसकी पुराने जो परिवार है उसे सब कुछ उसका नाता तोड़ दिया. और जो पुराने परिवार से जो आते हैं वो all his rights and everything is cancelled. उसके जो 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 बारिश होता है सब कुछ जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है. He adopts and he takes in the new rights. और ये नया नया जो नया परिवार के जाति या परंपरा को ले लेते हैं. becomes a heir of that estate, of the new और बारिश तो बन जाता है उस परिवार. He gets all the blessing and benefits of the new family. नए परिवार के सारी आशीष उसे मिलता है. Hallelujah. In the Hallelujah. Same manner. उसी तरह. Listen carefully. The same manner. उसी तरह. All your earthly fathers, whatever has come into you. आप धरती के पिता से ऊपर से जो भी आपको श्राप आया है. All the heritage line. अब वो जो वारिशतों के तौर से all their curses, सारी श्रापों all their sickness, सारी बीमारियां all their sins, और सारी पापे the moment you receive Jesus into your life, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं वो काट कट all जाता the things are cut off, सारी वो बातें पुरानी निकल जाती. Now you don't belong to your father's family. आपके धरती के पिता के परिवार के नहीं है. Now the diabetes cannot affect you. वो डायबिटीज आपके पिता के आपको छू नहीं सकता. Now the addiction cannot affect you. वो नशा जो आपके पिताजी के वो आपको छू नहीं सकता. Neither the curse of your father can affect you. आपके पिताजी के श्राप को आपको छू नहीं सकता. Now you joined your new family line. आपने नया परिवार के हेरिडिटी में पहुंच गए. Think about two lines. सोचिए दो लाइंस के लिए. The down line is your father's line. नीचे का लाइन जो है पिता का है. The up line is your heavenly father's line. और ऊपर का लाइन जो है स्वर्ग के पिता के है. So when you come to know God as your father. जब आप परमेश्वर को अपने पिता करके मानेंगे. And Jesus as your Lord and Savior. और यीशु मसीह को अपना प्रभु मानेंगे. That day onwards. उस दिन से. This earthly down line is cancelled from your life. नीचे के लाइन आपके जीवन से कट गया. Now you are adopted into your heavenly father's family. और आप नए परिवार यानी कि स्वर्गीय पिता के परिवार में जुड़ गए. Oh, what a good news! All the bad things of your earthly family is gone. धरती के जो भी परिवार के आप अटैचमेंट था वो सब खत्म हो गया. All the bad blood line is washed off. अब जो ब्लड लाइन था पाप के वो पूरी तरह से कट गए. न्यू ब्लड हैज कम. यू हैव अ रॉयल ब्लड इन यू. आपके अंदर राजाओं का राजा का लहू है. आमेन. हालेलुया. एंड दैट ब्लड हैज हीलिंग एंड हेल्प. और उस लहू में चंगाई और सामर्थ है. इन दैट ब्लड लाइन इज प्रॉस्पेरिटी एंड विक्ट्री. और उस लहू में विजेता और बरकत है. एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू. और आशीष आपके लिए. हालेलुया. यू कैन क्लेम दिस प्रॉमिसेस. आप इस वादाओं को
अपने जीवन में लगा सकते हैं। क्या आप खुश हैं? That your heavenly father loves you. क्या आपका पिता आपसे प्रेम करता है? That you're in his family. आप उसके परिवार में हैं। And when the father sees you. जब आपका पिता आपको देखता है। There's no difference between you and Jesus. और आप में और यीशु में कोई फर्क नहीं दिखता। Because the word of God says in Romans 8. रोमियो की किताब 8 में लिखा है। The spirit testifies with our spirit. परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा से गवाही देता है। Romans 8:14 says. रोमियो 8 उसका 14। The spirit himself testifies with our spirit. परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा से गवाही देता है। We are the children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। If children. अगर संतान है has, वारिशत होगी has of God, वारिशत परमेश्वर and को has with Jesus Christ, और परमेश्वर के साथ समान वारिशत में we, Jesus and I, we share the same pocket, और यीशु मसीह मैं सेम भाग में गिना गया and we have the same blessings, और वही आशीष जो यीशु का मेरा favor of the heavenly father, परमेश्वर की जो तारीफ है वो जो यीशु का वो वही मेरा Isn't that a good news? क्या वो खुशखबरी है? Adopted into God's family. आप परमेश्वर के परिवार में दत्त लिया so गया know that your heavenly father loves you crazy. आपके स्वर्गीय पिता आपसे बहुत प्रेम करता है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. परमेश्वर का वचन कहता है। God loves you with an everlasting love. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है अनंतकालिक प्रेम से। And second it says with he loves you with a steadfast love. अब वो स्थिर वाला प्रेम से आपसे प्रेम करता है। Psalm 106:1 says he loves you with a steadfast love. और भजन संहिता 106 में लिखा है वो स्थिर वाला प्रेम से आपसे प्रेम करता है। That means his love is faithful. और उसका प्रेम विश्वास योग्य है। It will not become high and low. वो कभी भी नीचे और ऊपर नहीं होता। The way you behave. जिस तरह आप व्यवहार करते हैं। His love is steadfast. उसका same. प्रेम स्थिर है समान है। Third he says he loves you with a perfect love. अब वो परिपूर्ण प्रेम से आपसे प्रेम करता है। With a perfect love. वो परिपूर्ण प्रेम से John 4:18 says. पहला यूहन्ना 4:18 कहता है। The perfect love casts out fear. और परमेश्वर के उत्तम प्रेम सारी डर को निकाल देता है। Yes. So he loves you with a everlasting love. आपको अनंतकालिक प्रेम से आप प्रेम loves करता you with a steadfast love. वो आपसे स्थिर वाला प्रेम से प्रेम करता he loves है। you with a perfect love. और परिपूर्ण प्रेम से वो प्रेम करता Hallelujah. है। हालेलुया। So, सर्वदा प्रेम सर्वदा अनंतकालिक प्रेम स्थिर प्रेम स्थिर वाला प्रेम सिद्ध प्रेम सिद्ध प्रेम Tell loudly in Hindi. जोर से मेरे पीछे बोलिए। मेरा पिता मुझसे सर्वदा प्रेम से प्रेम करता है। सर्वदा प्रेम से प्रेम करता है। स्थिर प्रेम से प्रेम करता है। स्थिर प्रेम से प्रेम करता है। और सिद्ध प्रेम से प्रेम करता है। और सिद्ध प्रेम से प्रेम करता है। वो कभी नहीं बदलता। वो कभी नहीं बदलता। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। द फोर्थ थिंग चौथी बात दैट यू नो दैट गॉड लव्स यू आप जानते परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दैट गॉड इज सो प्लीज्ड विद यू परमेश्वर कितना आपसे खुश है। Matthew 3:17 says. Matthew 3:17 लिखा है। The way he told Jesus. जो यीशु मसीह ने कहा। This is my beloved son with whom I am well pleased. और मैं ये मेरा पुत्र है मैं इससे प्रसन्न हूँ। अत्यंत प्रसन्न well pleased. मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। Hallelujah. When Jesus looks at you. और जब यीशु आपको देखता है। His father's heart is filled with love. और उसका पिता के दिल प्रेम से भरा है। For you. आपके लिए and he tells, अब वो कहता है looks at you and say, आपको देख के कहता This is my beloved daughter. ये मेरा बेटा बेटी है This is my beloved son. ये मेरा बेटा है तो I'm well pleased with. जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ I'm well pleased with. आप बहुत ही प्रसन्न हूँ Hallelujah. 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 And Job 1:8, you know what it says? अय्यूब 1:8 कहता है He told, he always keeps saying, Oh, come angels, come here, holy angels, come here, all the angels, come here. वो बोलता है सारी दूतों को इधर आओ Even he tells Satan, come here. और शैतान को भी बोलता है इधर आ Oh, have you seen anybody like my servant Job? क्या आपने मेरे दास अय्यूब के समान किसी को देखा है There is no comparison on anybody on the earth like Job. किसी और से तुलना कर ही नहीं सकता अय्यूब के बारे में He is so good. वो कितना अच्छा है He is so straightforward. और वो कितना आगे है Hallelujah. And he loves to do good. अब वो हमेशा भलाई करना चाहता है Hallelujah. Shall we read it? It's a very beautiful word. आइए पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 1:8. अय्यूब 1:8. When you're reading this, जब आप ये पढ़ते हैं Please tell your name and read it. आपका नाम लिख के पढ़िए It says, Lord said unto Satan. और शैतान से
परमेश्वर ने कहा आपको मिला इफ यू सेड इट गॉड इट से हालेलुया आपको मिला तो बोलिए हालेलुया जॉब 1:8 अय्यूब की किताब 1:8 आपका नाम उधर लिखी सी गॉड इज सेडिंग सैटन और परमेश्वर कहता है शैतान और परमेश्वर शैतान और दूतों से कहता है लुक डाउन ऑन द अर्थ दुनिया में देखो लेट्स रीड आइए पढ़ेंगे द लॉर्ड सेड अनटू सैटन और परमेश्वर ने शैतान से कहा Has thou considered my servant Job? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? Have you ever seen a person like my servant Job? और मेरा दास अय्यूब के समान किसी को आप ध्यान दिया है? Oh, there's none like him on the earth. क्योंकि उसकी तुल्य खरा और सीधा कोई भी नहीं. So perfect. जितना खरा है. Upright man. सीधा है. One that fears me. मेरा भाई मानने वाला है. And who runs away from evil. बुराई से दूर रहने वाला. Hallelujah. Hallelujah. Write your name there. आपका नाम उधर लिखिए. Is there anybody like Sneha? और कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्नेहा जैसा? Is there anybody like Joy? Joy जैसा व्यक्ति कोई है क्या? Oh, was so. There's no one like comparison to that person on this earth. उस इस धरती में उस व्यक्ति के समान तुलने में कोई नहीं. So perfect. इतना सही. So upright. इतना खरा. One who fears God. जो परमेश्वर से भय करता. Runs away from evil. बुराई से वो भागता है. Every day he is going on saying it. हर रोज वो बोलता है आपके बारे में. And all the angels say yes, yes, yes. और दूत लोग कहता हाँ हाँ हाँ. On every believer. हर विश्वासी पर he points and says, वो उंगली उठाकर और कहता हर विश्वासी पर परमेश्वर like उसके जैसे देखा है कोई like उसके जैसे कोई देखा है परिवार ऐसा परिवार ऐसा व्यक्ति कोई there's नहीं no comparison to this person. कोई तुलना के लिए नहीं Hallelujah. Tell about yourself. अपने आप के बारे में आपके बारे में बोलिए मेरे तुलने में कोई नहीं Hallelujah. And he's appreciating, he's giving you a big certificate of all the good things that he's seen you. और जो भी अच्छाई आपने देखा वो सर्टिफिकेट बना. So faithful. इतना very dear. आप कॉयर को इतनी अच्छी तौर से चलाते. So well he does the banner he puts there. और बैनर को अच्छी तरह डालता. See the way she's doing the flyer for me every day. और हर रोज मेरे लिए फ्लायर बनाते हैं. Always writing the word of God in the mobile. मोबाइल में वचन लिखता है फेसबुक में वचन लिखता है. Whatever you do. जो भी आप करते हैं. Little or big. छोटा या बड़ा My God is excited. मेरा परमेश्वर खुश है The Heavenly Father is so excited when he sees स्वर्ग पिता कितना खुश होता है जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं you before all the angels. दूतों के सामने आपकी पहचान दिलाते हैं शैतान के he सामने praises you. अब वो आपको उठाता है उन्नति करता है How much he loves you. कितना आपसे वो प्रेम करता है He's so pleased with you. वो आपसे इतना boasting. अब आप थोड़ा भी करेगा वो बड़ी बड़ी बात कहेंगे Hallelujah, I remember my daddy. अब मैं जानता मेरा डैडी Whenever I should do anything good. जब भी मैं अच्छा करूंगा anything good happens in my life, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता he'll go and tell all his friends, और उसके सारी दोस्तों he'll को जाकर neighbors, दोस्तों पड़ोसी को बोले मेरा डॉटर ऑफिसर बन गया my daughter got a government job, मेरा बेटी को सरकारी नौकरी मिल गई my daughter is getting married, मेरे बेटी अब जल्दी से शादी करने वाली he loves to boast about me, अब वो हमेशा मेरे बारे में घमंड से बोलने के लिए उत्साह होता था More than that, your heavenly father is boasting about उससे you. उससे ज्यादा परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके बारे में घमंड कर रहे हैं. So pleased with you. ओ इतनी आपसे आशीषित और खुश हैं. Do you know your heavenly father loves you? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? The fifth point. पांचवें बात. How do we know the father loves me? कैसे हम जानते हैं कि मेरे परमेश्वर मुझे प्रेम करता है? The day you came to Jesus. जिस दिन आप यीशु मसीह में आए. He gave a great party in heaven. आपके लिए वो बड़ा मेज को तैयार किया Luke 15:20 says, लूका 15:20 कहता है the prodigal son came home, जब बुढ़ाओ पुत्र घर में वापस आया after wasting all his money, सारे पैसों को गवा कर after living with prostitutes, और वेश्यों के बीच में रहने के बाद finally came to the, we had a job of feeding the pigs, और आखिर में सुअरों के बीच में वो खाना खा रहा food, और सुअरों की खाना खा रहा so hungry, इतना भूखा था वो so poor, इतना गरीब था all his friends said goodbye, और सारे दोस्त लोगों ने कहा गुड बाय तो he had no money, क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो गया था no money, no honey, और पैसा नहीं है तो हानि भी नहीं nobody is there for you, आपके लिए कोई नहीं
एंड दैट टाइम ही रिमेंबर्ड हिज फादर उस समय अपने पिताजी के बारे में याद किया वी वर ऑल इन दैट सिन हो सकता हम सब उस पाप में दैट वर्ल्ड उस दुनिया में वन डे वी रिमेंबर्ड गॉड और एक दिन हम परमेश्वर को याद किया टोल्ड अस अबाउट जीसस और सब किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया बिकॉज़ ऑफ आवर बैड सर्कमस्टेंसेस बुरी परिस्थितियों के वजह से बिकॉज़ ऑफ सम सिकनेस और बुरी बीमारी के वजह से बिकॉज़ ऑफ आवर डिप्रेशन निराशा के वजह से वी रेडीली एक्सेप्टेड जीसस इनटू आवर लाइफ और हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया एंड गॉड वाज सो हैप्पी परमेश्वर इतना खुश था एंड इट सेज इन लूक 15:20 और लूका 15 उसका 20 में लिखा है इट शोज एक्साइटमेंट ऑफ द हेवनली फादर स्वर्गीय पिता कितना उत्साहित है व्हेन ही सॉ यू फ्रॉम फार कमिंग टू जीसस और जब वो उसने देखा दूर से आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं योर फ्रेंड वाज टेलिंग अबाउट जीसस टू यू कैसे वो आपका दोस्त यीशु मसीह के बारे में आपको बता रहा टोल्ड यू अबाउट जीसस आपके दोस्त आपके पड़ोसी ने यीशु के बारे में बताया प्लीज द गॉस्पेल टू यू किसी ने सुसमाचार आपको सुना एक्सेप्टेड जीसस और आपने यीशु को ग्रहण किया लूक 15:20 सेज लूका 15 उसका 11 द फादर रैन व्हेन ही सॉ द प्रोडिगल सन उड़ा पुत्र को दूर से देखे पिता ने हाथ बढ़ाकर दौड़ा ही हैड सच अ बिग गाउन द जूश पीपल वेयर बिग गाउन और वो लंबी गाउन्स को पहनते हैं ही पिक्ड अप हिज गाउन और उसने अपने गाउन को उठाया एंड ही स्टार्टेड रनिंग अब वो दौड़ने लगा रैन टू हिज सन और उसके बेटे के पास पहुंचा ओ ही एम्ब्रेस्ड हिम और उसने उसे गले लगाया फिल्ड विद कंपैशन इट सेज अब वो तरस से भर गया द सेम सन हु बिट्रेड हिम वही बेटा जो पिता को धोखा दिया स्पोक बैड अबाउट हिज फादर अपने पिताजी के बारे में बुराई बोली जीसस इज नॉट गॉड यीशु मसीह प्रभु ने ये बोला स्पोकन मेनी बैड थिंग्स अबाउट जीसस यीशु मसीह के बारे में बुरा कहा होगा व्हेन यू केम टू जीसस जब वो यीशु के पास आया फॉरगॉट एवरीथिंग और उसने सब कुछ भूल गया ही रैन टू कम टू यू अब वो दौड़ के आपके When पास you take one step, आप एक कदम लेगा towards Jesus, यीशु मसीह की ओर Jesus will take thousand step and come to you. और यीशु मसीह हजार कदम लेके आपके पास आए My heavenly father came running to you. और मेरा स्वर्ग पिता आपके पास दौड़ के आया and was moved with compassion. अब वो तरस से भर गया and it says he embraced the prodigal son. और उस उड़ाव पुत्र को पिता ने गले मिला He didn't think how dirty he smelled. He had not taken bath for so many days. आप कितने दिन से वो नहाए नहीं कितना गंदी बदबू आ रहा है He's with all the pigs eating their food. और सूअरों के बीच में बैठ कर सूअर की खाना खा रहा था so dirty. और उसका वस्त्र बहुत गंदा था But his father had a white robe, so clean and neat, so पर उसके पिता के पास सफेद वस्त्र था साफ और सफाई Still he hugged his son. फिर भी उसके बेटे को उसने गले मिला सो हिज फेस वाज सो हैप्पी और उसके चेहरा देख के वो बहुत खुश हुआ एंड ही किस्ड हिम हिज होल फेस ही गेव लॉट ऑफ किसेस और उसने पूरी मुंह में चुमन दिया ही किस्ड हिम और उसने चुमन दिया एम्ब्रेस्ड हिम और उसे गले लगाया ही टोल्ड द सर्वेंट क्विक 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 और अपनी नौकरों से कहा जल्दी 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 ओ गेट अ गुड रोब फॉर माय सन मेरे बेटे के लिए अच्छा वस्त्र लेके आओ पुट अ रोब ऑन हिम और उसके ऊपर वस्त्र पहना है ही पुट अ ब्यूटीफुल गोल्डन रिंग ऑन हिज फिंगर और उसके हाथों में अंगूठी डाला रिंग मींस अथॉरिटी और अंगूठी का मतलब अधिकार ही पुट अ शू ऑन हिज फीट और उसके पैरों में जूते डाले ओ माय चाइल्ड ट्रैवल सो लॉन्ग मेरा बेटे ने कितने दूर तक चला बी हर्टिंग हिम और उसका पैर उसे चोट दे रहा है And he put nice soft chappals for him. और उसके लिए अच्छी हवाई चप्पल दी है And after that, उसके बाद he told the servant, "Come on, kill the fatted calf." और उसने अपने नौकरों से बोला बड़ा बैल को काटो फैटेड काफ बैल को काटो बछड़ा बछड़ा को काटो यस यंग काफ को काटो हालेलुया मेक अ पार्टी कॉल एवरीवन कॉल ऑल द नेबर्स पार्टी बुलाओ और सबको बुलाओ Hallelujah, and they had dancing and singing. अब वो नाच रहे गा रहे Because the son which was lost, जो बेटा खोया था has come back. वो वापस आया Oh, he was blind, now he sees. अब वो अंधा था अभी देखने लगा Luke 15:10 says, लूक 15:10 कहता है When you came to Jesus Christ, जिस दिन अब यीशु के पास आए पार्टी इन हेवन और स्वर्ग पार्टी मना रहे एंजल्स रिजॉइस ओवर एवरी सिनर दैट कम्स टू गॉड दूत लोग खुशियां मनाते हैं जब एक अविश्वासी विश्वासी में आता है टॉक्स ऑफ द लॉस्ट कॉइन एंड द लॉस्ट शीप और खोए हुए कॉइन और 15 खोए हुए भेड़ के बारे में बताया लूक 15 एंड इट सेज द एंजल्स रिजॉइस ओवर एवरी सिन दैट कम्स टू गॉड एवरी जो पापी जो परमेश्वर के पास आता है स्वर्ग आनंद मनाते हैं सी हाउ मच हेवनली फादर लव्स यू कितना स्वर्ग पिता आपसे प्रेम करता है वो स्वर्ग में बड़ा पार्टी दिया ही एम्ब्रेस्ड यू ही किस्ड यू उसने आपको गले लगाया चुमन किया
और वस्त्र पहना है, राज्यों का राजाओं का वस्त्र पहना है, नीतिमान का वस्त्र पहना है, gave you the authority of gold ring. और अंगूठी दिया सोने का, and he gave you authority and power once again. और वापस आपको अधिकार और सामर्थ्य, made you the heir of everything that he has. और सब कुछ का वारिसत्व बनाया. So happy. कितना खुश है. How much the Father loves you. कितना प्रभु आपसे प्रेम करता है. So, many points have we seen? कितने बातों को हमने देखा परमेश्वर आपसे प्रेम. There are so many points, but I only give few points. और बहुत से बातें पर हमने to कुछ show that your father is crazily in love with you. और ये बताए कि आपका पिताजी आपसे प्रेम करता है. Sixth point. छठी बात. Matthew 15:13 says. मती 15:13 कहता है. Every plant. और सबसे सब सब वृक्ष हर पौधा. Okay, we'll read it. Matthew 15:13. Matthew 15:13. Let's read. Come on, quickly take it. Matthew 15:13. Did you get it? क्या आपको मिला? We'll read. उसने उत्तर दिया. He answered and said, every plant. हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया. Every father has not planted. उखाड़ा जाएगा. Shall be uprooted. What it says there? Every plant. हर वृक्ष. With my heavenly father, which your heavenly father. जो आपका स्वर्गीय पिता है. Has not planted. जो गाड़ा नहीं. Will be uprooted. उसे उखाड़ा जाएगा. What are the things in your life which needs rooted, uprooting? आपके जीवन में जो भी ऐसी बात है जो उसे उखाड़ना है. Maybe you get very angry fast. हो सकता है आप जल्दी गुस्सा होता है. Burst in anger. आप बहुत ही गुस्सा होता है. Get irritated. आप घबराते हैं. You're fearful, okay? If you're fearful, आप घबराते हैं. You have addictions. आपको नशा है. You're poor. आप गरीब हैं. You're anxious. और बहुत चिंतित हैं. You're depressed. आप निराशा में. And you want it out of yourself. आपके अंदर से वो सब बाहर जाने. You're sick today. आज आप बीमार हैं. You want it out. और वो आपको बाहर चाहिए. See what the father says. पिता क्या कहता है. Every plant. और हर वृक्ष. हर एक पौधा. Every plant. हर पौधा. If the heavenly father is not planted, जो स्वर्ग पिता ने गाड़ा नहीं, will be uprooted. अब उसे वो उखाड़ा जाएगा. Your heavenly father has not planted this. और आपका स्वर्गीय पिता ने ये नहीं गाड़ा है. He has not put sickness in you. उसने आपका अंदर बीमारी नहीं डाला. He has not put dysentery in you. आपके अंदर पेट में जुलाब नहीं डाला. He has not put temperature on you. आपको टेम्परेचर नहीं दिया. He has not put coronavirus on you. वो आपको coronavirus नहीं दिया. He has not put the cancer or AIDS in you. कैंसर और एड्स आप में नहीं डाला. So God is promising you. Daddy is telling you. परमेश्वर पिता आपसे कहता है. What I have not planted. जो मैंने बोया नहीं. That means who has planted it? उसका मतलब कौन बोया है? Satan. शैतान. The thief comes to kill, steal and destroy. He's the चोर one who plants. आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने. It says that when you were sleeping, the thief, the sower came, the thief came and sowed. जब आप सो रहे थे, बैरी ने आकर बो दिया. Yes, he put wrong seeds in you. उसने गलत बीज को बो दिया. When we sleep with the world. और जब हम दुनिया के साथ सोते हैं. When we don't pray. और जब हम प्रार्थना नहीं करते. We don't get close to God. जब हम परमेश्वर के साथ नजदीक नहीं. When we do things against God's wishes. आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध करते हैं. Sickness will creep inside. अब वो बीमारी आता है. That poverty creeps inside. अब वो गरीबी आता है. Fear creeps inside. वो डर आता है. And what did God tell you? परमेश्वर ने क्या कहा? Don't be afraid. डरो मत. Satan has put this. शैतान ने डाला. I will uproot every plant. और हर वो वृक्ष जो शैतान ने बोया मुझे उखाड़ दूंगा. Every sickness I'll uproot from your life. मैं अब हर बीमारी आपके जीवन से उखाड़ दूंगा. Every addiction I'll uproot from your हर life. हर नशा मैं आपके जीवन से निकाल दूंगा. Every depression I'll uproot from हर your life. हर निराशा मैं आपके जीवन every से निकाल दूंगा. Every anxiety. हर चिंता. Every tension. हर दबाव तनाव. Everything I'll uproot from your life. मैं आपके जीवन से उखाड़ दूंगा. Every kidney problem I'll uproot from your life. किडनी के परेशानी को मैं आपके जीवन से उखाड़ दूंगा. I'll uproot the great AIDS from your life. आपके जीवन से AIDS को मैं उखाड़ दूंगा. I'll uproot the tobacco from your life. आपके जीवन से तंबाकू की नशा को उखाड़ दूंगा. That root has been put by your maybe because of your father it has come to you. हो सकता है आपके पिताजी के दुआ से वो जड़ आया. Root is still there. वो जड़ अभी भी है. God is uprooting it. परमेश्वर उसे उखाड़ रहा है. उसे उखाड़ रहा है. The adulterous relationship is uprooting it. व्यभिचार के रिश्तों को उखाड़ रहा है. Yes, he's uprooting everything from your life. आपके जीवन से सब कुछ वो उखाड़ रहा है. Making you like him. और वो आपके
परमेश्वर के जैसा आपको बना रहा है। See how much your heavenly father loves you. कितना आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He is taking away everything that's not according to his will. जो उसकी इच्छा ने उन सारी बातों को आपके जीवन से उखाड़ रहा है। So much he loves you. इतना आपसे प्रेम करता है। Praise the Lord. Hallelujah. So what is the sixth point? छठी बात क्या है? Every plant. हर वो पौधा विच माई हेवनली फादर इज नॉट प्लांटेड, जो मेरा पिता ने नहीं बोया है, योर लाइफ, आपके जीवन, योर फैमिली लाइफ, आपके परिवार, योर बिजनेस, आपके बिजनेस, योर पोजेशंस, आपके पाने में, एवरी एक्सीडेंट, हर वो दुर्घटना, एवरीथिंग इज अपरूटेड फ्रॉम योर लाइफ, आपके जीवन से प्रभु उखाड़ रहा है। डोंट बी अफ्रेड, इसलिए डरो मत, कोरोना वायरस विल नॉट टच यू, कोरोना वायरस आपको छू नहीं सकता, नॉट फ्रॉम द फादर, अब वो पिता की ओर से नहीं, एंड ही विल सी दैट इट नॉट कम नियर यू, वो देखेगा कि आपके पास तक नहीं आए, यस पुट गार्डियन एंजल्स इन चार्ज ऑफ यू, और परमेश्वर ने दूतों को रखा, यू नो देयर इज अ गार्डियन एंजल इन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ यू, आपके आजू बाजू में दो दूत है, आप जानते हैं, हू कैन कम नियर द चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान के सामने कौन आ सकता है, ट्राई टू टच द लायंस चाइल्ड, और शेर के बच्चों को छू के देखो, वो झपड़ लेगा, यस एंड हू कैन टच यू, आपको कौन छू सकता है, यू आर परमेश्वर का दिल का टुकड़ा, आप परमेश्वर का दिल का टुकड़ा है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, द सेवंथ पॉइंट, हाउ डू आई नो माय हेवनली फादर लव्स मी, सातवें बात, सो मच ही लव्स मी, सो इतना हमसे वो प्रेम करता है, Matthew 6:8 says, मती 6:8 कहता है, योर हेवनली फादर नोज व्हाट यू नीड इवन बिफोर यू आस्क हिम, और आप पूछने से पहले आपका स्वर्ग पिता आपको जानता है आप क्या बोलने वाला, यू विल थिंक, शैल आई टेल फॉर डैडी I need a car. क्या मैं पिताजी से कहूँ मुझे कार चाहिए, I want a house. मुझे घर चाहिए, He says, I know what you want. मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए, See, God can take care of that पक्षी, the birds in the air. पक्षियों को प्रभु अगर संभाल सकता है, And feed them at the right time. और उसे खाना समय पर खिला सकता है, Not one bird will fall without God's knowledge. परमेश्वर की इच्छा के बिना एक भी पक्षी गिरता नहीं। How much more he cares for you? कितने अधिक आपसे वो प्रेम करता है। How much more good gifts he'll give you? अच्छी तोहफा क्यों ना आपको देगा वो? Hallelujah. Hallelujah. Father cares about you. परमेश्वर आपके बारे में ध्यान देता है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. James 1:17 says. याकूब 1:17 कहता है। Every good and perfect gift. उत्तम दान, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट, सब अच्छा उत्तम दान, कम्स फ्रॉम द फादर अबव, परमेश्वर जो स्वर्ग ऊपर से आता है, कम्स फॉर यू, वो आपके लिए आता है, डिस्पैचेड फ्रॉम हेवन फॉर यू, और आपके लिए वो आजाद किया है, यू वांट अ किडनी, आपको किडनी चाहिए, यू वांट अ न्यू हार्ट, नया दिल चाहिए, वांट न्यू इंटेस्टाइन, अंदर की बातें आपको नया ब्रेन्स, नया ब्रेन चाहिए, God has dispatched it. परमेश्वर ने आजाद किया, He knows you need it. आपको आप परमेश्वर को जानता है, you ask him directly. आप उससे पूछिए, and do you know you don't have to go through a third party. कोई तीसरे व्यक्ति से नहीं, so God says every good and perfect gift come from your father. आपके पिताजी से आपके और आता, from the father of light. और ज्योतियों के परमेश्वर, in whom there is no variation. जिसमें कोई अदला बदला नहीं, He will not change. वो बदलता नहीं, oh, bad boy. गलत गंदा व्यक्ति, I will not give. मैं उसे नहीं दूंगा, बैड गर्ल, गंदा लड़की, does not pray. खाता नहीं करता, I will not give. मैं नहीं दूंगा, no. He has no change in him. वो कभी बदलता नहीं, every good and perfect is for you. Everything is for you. अच्छा उत्तम दान आपके लिए, everything what father has is for you. जो भी पिता के पास है वो आपके लिए है. Don't go and tell somebody, oh please pray for me. किसी को जाके मत बोलो मेरे लिए प्रार्थना, okay, when you're a new believer it is okay. नया विश्वासी है चलता है, yeah, you don't know how to pray. आपको नहीं मालूम कैसे, please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो, okay. But when you become matured, जब आप बड़ा हो जाते हैं, You don't have to ask anybody. Please pray for me. किसी को मत पूछो, बोलो कि मेरे लिए प्रार्थना करो. John 14:14 says. यूहन्ना 14:14 कहता है. Whatever you ask. जो भी तुम पूछे. Whatever you ask. जो भी तुम प्रभु से मांगे. The Father. पिता से. In Jesus name. यीशु के नाम से. God will give you. It says. परमेश्वर आपको देगा पक्का. Not warranty, guarantee. वारंटी नहीं, गारंटी के साथ. Guarantee he will give you. गारंटी के साथ वो देगा. Because I know my own experience. क्योंकि मैं अपने जीवन के अनुभव से जानता हूँ. God gave me a job, government job. परमेश्वर ने मुझे सरकारी नौकरी दी. Gave me promotion. मुझे प्रमोशन दिया. Made me a gazetted officer. गैजेटेड ऑफिसर बनाया. Increased my pay salary. मेरे पे सैलरी को बढ़ाया. He gave me a good house. अच्छी घर दिया. Wonderful husband. अच्छी पत्नी दिया. Hallelujah. And a wonderful car, free car. और गाड़ी दिया मुफ्त में. Everything free.
सब कुछ मुफ्त में. माय गॉड गिव्स फ्री गिफ्ट. मेरे परमेश्वर मुफ्त में देता है. ही स्पेशलाइजेस इन गिविंग गुड थिंग्स टू यू. और वो स्पेशलाइज्ड है अच्छी तोहफा आपको देने के. सम पीपल विल गिव यू गिफ्ट. कुछ लोग आपको तोहफा देंगे. इट विल ब्रेक आफ्टर सम टाइम. वो कुछ दिन में टूट जाएगा. नो गारंटी नो वारंटी. नो गारंटी नो वारंटी. व्हेन गॉड गिव्स, जब परमेश्वर देता है, गुड एंड परफेक्ट. अब वो उत्तम और परिपूर्ण. फिट यू परफेक्टली. अब वो पूरी तौर से आपको भरेगा. जस्ट लाइक माय हस्बैंड फिट्स मी परफेक्टली. जैसा मेरा पत्नी मेरे लिए फिट है. Yes, he gives you good and perfect gift. अब वो हमारे लिए परफेक्ट गिफ्ट देता है. I remember when my father used to come home. जब मेरे पिता मेरे घर पे आते हैं. We all children will run to him. हम सारे भाई बहन लोग उसके पास दौड़ते हैं. Because he will come with मेदुवड़ा and सांबार. अब वो मेदुवड़ा और सांबार के साथ आते हैं. He'll bring काजू कतली. काजू कतली लेके आते हैं. Bring some gift for us. और कुछ तोहफा हमारे लिए लेके आते हैं. We were so excited as children. और जब बच्चे होकर हम बहुत खुश होते हैं. And when he takes us to hotel. और जब हमें होटल लेके जाते हैं. Very happy. बहुत खुश. So daddy will tell whatever you want you order. और जो भी आपको चाहिए ऑर्डर करो. And daddy will fill the meet the bill. और बिल को पिताजी भरेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Much more than your earthly daddy. और इससे अधिक जो धरती के पिताजी से अधिक. Heavenly Father gives you good and perfect gift. आपका स्वर्ग पिता कितना अधिक तोहफा और वरदान आपको देंगे. Even when apostle comes home. और जब प्रेरित घर पे आते हैं. Both the daughters run to open the door. और दोनों बेटी दौड़ के दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं. Take all the parcel from his hands. और सारी पार्सल उसके हाथ से लेता है. And start eating and drinking whatever papa has bought. और जो भी पिताजी लाए हैं सब कुछ खाने के लिए और पीने के लिए तैयार. More than that, your heavenly father loves you. उससे अधिक आपका पिताजी स्वर्ग पिताजी से अधिक स्वर्ग पिता आपसे प्रेम करते हैं. You can laugh. आप हंस सकते हैं. You can be happy. आप खुश हो सकते हैं. Every good and perfect gifts come from the Father above. क्योंकि अच्छा उत्तम दान स्वर्गीय पिता से आता है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Father loves you. पिताजी आपसे प्रेम करता है. Eighth point. आठवें बात. The fact that your heavenly Father loves you. स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है. Psalm 68:19 says. भजन संहिता 68:19. Every day he will carry your burdens. हर रोज आपकी बोझ को वो उठाएगा. Please read it. It's a very interesting word. Psalm 68:19. अर्थ से तो उसका 19. धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारे बोझ उठाता है. Blessed is the Lord who daily loads us with benefits. वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर. Even the God of our salvation. So what does God do every day for us? हमारे लिए परमेश्वर क्या करता है? Carries our burden. हमारी बोझ को उठाता है. Just like you as mommy and daddy. जिस तरह आप मम्मी पापा होकर. When your children will come from school. आपके बच्चे स्कूल से बस उतरते ही. You take their bag from them. और उनके बैग उनसे ले लेते. Put on your shoulders. आपकी शोल्डर में ले लेता है. Saying, बेटा you walk. बेटा आप चलो. And the son will jump, dance and walk. आप बेटा कूदेगा जंप करेगा. Because no burden. क्योंकि कोई बोझ नहीं. So 1 Peter 5:7 says. पहला पत्रोस 5:7 कहता है. Heavenly Daddy is telling you. स्वर्गीय पिता आपसे कहता है. Cast all your cares on me. अपनी सारी बोझ मुझ पर डालो. But I care for you. क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ. Therefore no tension. इसलिए कोई टेंशन नहीं. No fear. कोई डर नहीं. No anxiety. कोई चिंता नहीं. No depression. कोई निराशा नहीं. No suicide. कोई सुसाइड नहीं. Nothing. Nothing. Because my God is with me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ. I am greatly loved by my heavenly Father. मेरा परमेश्वर मुझे बहुत प्रेम करता है. 1 John 4:18 says. पहला यूहन्ना 4:18 कहता है. That perfect love, सिद्ध प्रेम, drives out, casts out all fear. सारी डर को भगाता है. Hallelujah. The Hallelujah. Perfect love, सिद्ध प्रेम, casts out all fear. सारी डर को भगाता है. Hallelujah. Maybe there is so much fear around you. हो सकता है आपके आजू बाजू में दुनिया में बहुत डर है. And you are telling what will happen to me, what will happen. क्या होगा क्या होगा क्या होगा. I'm having fever. मुझे बुखार है. I have throat pain. गले में खराश है. I'm coughing. अब कफ हो रहा है. I got dysentery. जुलाब हो रहा है. What will happen to me? क्या होगा मुझे. My body is paining. मेरा शरीर दर्द कर रहा है. I'm feeling weak. मैं कमजोर लग रहा है. Don't be afraid. इसलिए डरो मत. God says, I'll cast out the fear from you. आपकी डर को मैं आपके जीवन से निकाल दूंगा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise I remember Lord. When I was going in the car. मैं गाड़ी में जा रहा था. One brother calls me up. एक भाई मुझे बुलाया. A sister, pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो. I cannot take breath. मुझे सांस नहीं ले सकता. I think I have coronavirus. और मुझे लगता है वो कोरोना वायरस हो गया. I prayed for him. I said, nothing will happen to you.
कुछ नहीं होगा. आई लेट हिम डू अ प्रेयर ऑफ सेल्वेशन. उद्धार की प्रार्थना में अगुवाई. आई प्रेड फॉर हिम. प्रार्थना की. इमीडिएटली ही वाज हील्ड. तुरंत वो चंगाई पाई. जस्ट टू डेज बैक. दो दिन पहले. वन सिस्टर कॉल मी अप. एक बहन ने बुलाया. फाइव डेज आई हैव नॉट टेकन माय ब्रेथ. और मैं पांच दिन से सांस नहीं ले पा रहा. आई एम स्ट्रगलिंग विद माय ब्रेथ. तकलीफ हो रहा है. What to do? क्या करूं? All are saying go to the doctor. सब बोल रहे डॉक्टर के पास जाओ. I told her don't go to the doctor. मैंने बोला डॉक्टर के पास मत जाओ. Now Jesus is going to heal you. अभी यीशु मसीह आपको चंगा. Only don't fear. बस डरो मत. The perfect love casteth out fear. सिद्ध प्रेम डर को भगाता है. She said yes, I will not go to doctor. मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा. And the money she has to give to the doctor. आज जो पैसा डॉक्टर को देने का था. She said God told me to put in an envelope. और उसने कहा कि डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि एनवेलप में वो पैसा डालो. She put the money in the envelope. अब वो पैसा एनवेलप में डाला है. And the next day she was healed. और उसी दिन अगला दिन परमेश्वर ने उसे चंगा. The very day in fact, the very day she was healed. उसी दिन परमेश्वर उसे चंगा किया. Next day when I called her. जब अलग दूसरा दिन मैं फोन किया. She said I'm tuck, I'm fine. मैं पूरी तरह से ठीक हो गया. Hallelujah. Hallelujah. The perfect love casteth out fear. सिद्ध प्रेम सारी डर को भगाता है. Hallelujah. Yeah, the perfect love casteth means it in Hebrew, in Greek word it means so. और ग्रीक शब्द में ये मतलब ये है कि it's like God catching hold of the throat of fear. और डर के गले को परमेश्वर पकड़ता है. Do you know fear is a spirit, evil spirit. It's a person. डर एक दुष्ट व्यक्ति है. It is a person. व्यक्ति है. It comes and jumps on you. अब वो आप पर उड़ी मारता है. And it torments you. अब वो आपको तकलीफ देता है. The word of God says the fear torments. परमेश्वर का वचन कहता है कि डर तकलीफ देता है. Yes. And God says, God takes the fear by his throat. और परमेश्वर का वचन कहता है वो डर की गलों को पकड़कर हिलाता है and cast out of the window. और खिड़की के बाहर फेंक देता है. That's what he does with the fear, that is और उस डर से जो आपको सताता है उससे don't fear. इसलिए डरो मत. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. परमेश्वर वो driving out fear. अब वो प्रेम को भगाता है. Hallelujah. Hallelujah. One day, एक दिन the flight was going. और वो हवाई जहाज उड़ रहा था. All the passengers were sitting. सारी पैसेंजर्स बैठे थे. All happy. सब खुश थे. Suddenly, जल्दी से the flight started shaking. अब वो जहाज हिलने लगा. And all the passengers were so scared. और सारे पैसेंजर्स यात्री लोग घबरा गए. They were so scared. इतना डरा हुआ. Oh, we're gonna cry, we're gonna die. हम मरने वाले हैं. Plane crash. प्लेन क्रैश होने वाले. सारा प्रेइंग. और सब प्रार्थना करने लगे. ओह प्लीज हेल्प अस गॉड. और हमें मदद करो प्रभु. एंड दे सॉ इन द फ्रंट. और उन्हें देखा सामने में. देयर वाज अ लिटिल गर्ल. एक छोटा लड़की था. शी वाज नाइसली सिंगिंग एंड सिटिंग. अब वो गाना गा रहा था. स्माइलिंग ऑल द टाइम. नाच रहे थे, गा रहे थे. और लुकिंग एट हर. और सब उसे देख रहा था. शी वाज स्कैर्ड. वो घबरा नहीं. एंड आफ्टर सम टाइम. और कुछ देर के बाद द फ्लाइट बिकेम स्टिल. अब वो फ्लाइट हिलने के बाद स्थिर हो गया. इट लैंडेड. अब वो उतर गया. और थैंक गॉड. और सबने बोला धन्यवाद. एंड देन व्हाट हैपेंड. और क्या हुआ. व्हेन आई टोल्ड द लिटिल गर्ल. और उस लड़की छोटा लड़की से पूछा. ए व्हाट यू लिटिल चाइल्ड. ए लड़की क्या क्या हो गया. व्हाई आर यू नॉट अफ्रेड. आप घबराए क्यों नहीं. यू नो द लैंड दैट प्लेन कुड हैव क्रैश्ड. अब वो प्लेन हो सकता क्रैश हो सकता था. शी सेड नो आई एम नॉट अफ्रेड. मैं डरता नहीं. Because the pilot is my daddy. क्योंकि वो पायलट जो मेरा डैडी था. I cannot die. Why? क्यों? Because my daddy is driving the flight. क्योंकि मेरा डैडी वो फ्लाइट को चला रहा है. He will land me safely. वो मुझे सही तौर से जमीन में उतारे. He'll bring me to the other side safely. मैं उसे उसके उस पार मुझे सुरक्षित लेके आए. So you also. इसलिए आप भी. If you know your heavenly father's love. और आपके स्वर्गीय पिता को आप जानते हैं. सिट आराम से. आप आराम से बैठ सकते हैं. एंड यू कैन सिंग एंड वर्शिप गॉड. आप परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं. बाइबल वचन पढ़ सकते हैं. एनकरेज अदर पीपल. और दूसरे लोग के उत्साह कर सकते हैं. बिकॉज योर फादर इज ड्राइविंग योर कार योर फ्लाइट. क्योंकि आपके जहाज को पिता परमेश्वर चला रहा है. सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू. कुछ भी नहीं होने वाला. एवरीबॉडी विल बी पैनिकिंग. सब घबराएंगे. यू विल नॉट हैव एनी टेंशन. आपको कोई टेंशन. यू कास्ट ऑल योर टेंशन अपॉन गॉड. आपने अपनी सारी बोझ यीशु मसीह पर डाल दी. नाउ यू नो योर हेवनली फादर लव्स यू. क्या आप जानते हैं आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है. प्रूफ. आपको और प्रूफ चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. फाइनली द लास्ट पॉइंट नाइन्थ पॉइंट. आखिरी पॉइंट.
John 14:3 says. यूहन्ना 14:3 कहता है. यूहन्ना 14:13 कह 14:3 कहता है. I think all are happy. मैं जानता हूँ सब खुश है. Because they understood the Father's love. उसने पिता के प्रेम को जान लिया. It is not ordinary love. वो साधारण प्रेम नहीं. What does John 14:3 says? यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने वहाँ से ले जाऊंगा. If I go and prepare a place for you, I will come again. जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो. I receive you to myself, that where I am, you may be also. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your papa loves you so much. आपका डैडी आपसे बहुत प्रेम करता है. He's saying, where I am, जहाँ पर मैं हूँ, you may be also. उधर तुम भी रहो. I'm not going to keep you forever on this earth. इस धरती में हमेशा के लिए नहीं. I'm sending my son, cloud of glory, to bring you back to me. तुझे वापस स्वर्ग में लाने. Forever you'll be with me. और फिर हमेशा के लिए तू मेरे and साथ. Nobody can separate you from me. और फिर कोई मुझसे और आपसे अलग Romans नहीं. Romans 8:38-39 says. रोमियों 8 उसके 38 और 39. Nothing can separate us from the love of God. परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं. It is in Christ Jesus. जो यीशु मसीह में है. Not in the present nor future. Present, future, वर्तमान. भविष्य. Neither angels nor demons. दूत लोग नहीं, दुष्ट आत्माएं नहीं. Nothing in all creation. कुछ में भी, कोई भी सृष्टि काल में. Can separate me from the love of God. परमेश्वर की प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता. Hallelujah, he's coming to take me home. वो मुझे घर ले जाने के लिए आने वाले. Today I'm seeing him from far away. आज हम दूर से वो देख रहे हैं. Worshiping him. प्रभु की आराधना कर रहे हैं. One day we'll all see our heavenly Father face to face. हम स्वर्गीय पिता को आमने सामने देखेंगे. And know his love. और उसके प्रेम को जानेंगे. He will take us in his arms. वो अपनी गोद में ले लेंगे. He will hold us close to his heart. और उसके दिल के नजदीक हमें रखेंगे. He will sing over us. और वो हमारे बीच में गीत गाएंगे. सेफेनिया says. सेफेनिया कहता है. He will rejoice over you with singing. और वो उसके आनंदित करेंगे गीतों के द्वारा. Do you know like how child mother puts a child to sleep? एक माँ अपने बच्चों को कैसे सुलाता है? Singing songs. गीत गाते हुए. Like that God is saying, I'll sing songs over you. Zephaniah 3:3 says. Zephaniah 3 कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए गीत गाएंगे. Yes, he'll comfort you. आपको वो सराहना करेंगे. When you go to heaven. जब आप स्वर्ग जाएंगे. Revelation 21:3-4 says. Revelation प्रकाशित वाक्य 21 उसका 2 और 3. आपकी सारी आंसुओं को पोंछे. Take away all your sorrow. आपकी सारी को निकाले. All your pain. सारी दर्द को निकाले. He'll wipe away all death from there. There's no death there. उधर कोई मौत नहीं. There's no poverty there. उधर कोई गरीबी नहीं. There's no debts there. कोई कर्ज नहीं. Everything will be removed from your life. आपके जीवन से सब कुछ निकाल. There'll be only joy and joy in the presence of the Lord. और सिर्फ आनंद ही आनंद होगा आपके. And again John 14:2 says. यूहन्ना 14:2 कहता है. That God has prepared lot of mansion for us there to stay in heaven. आप परमेश्वर ने बहुत सी घर हमारे लिए तैयार किए. Nice designer flats are waiting for you in heaven. स्वर्ग में आपके लिए खूबसूरत मकान तैयार. You know, so wonderfully heavenly father loves you. कितने अद्भुत तौर से स्वर्ग के पिता से. He's concerned of every detail of your life. आपके जीवन के हर बातों को वो जानता है. Hallelujah. Hallelujah. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. So now you understood this 9 points. इस 9 बातों को आप समझा. That God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Can we sum it up? क्या हम जल्दी से बोलेंगे? God says, I love you with an everlasting love. मैं आपसे अनंतकालिक प्रेम से. I draw you with ever-loving kindness. मैं भलाई से तुझे आकर्षित किया. God loves you with a steadfast love. स्थिरता प्रेम से भरा. And with a everlasting love. अनंतकालिक प्रेम. And with a perfect love. और परिपूर्ण प्रेम से. He loves us. वो हमसे प्रेम करता है. His love is unconditional. उसका प्रेम शर्तहीन है. His love for you is unchangeable. उसका प्रेम आपके लिए बदलता नहीं. It's unlimited. असीमित है. I know my father loves me. मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है. क्यों? Because he has made me in his own image and likeness. और उसकी अपनी समानता में और रूप में बनाया है. Second. दूसरा. I know my father loves me. मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है. He has a perfect plan for my life. मेरे लिए प्रभु का योजना है. Third.
तीसरा आई नो माई हेवनली फादर लव्स मी, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, अडॉप्टेड मी इनटू हिज फैमिली, और उसने अपने परिवार में दत्त लिया है, आई नो माई हेवनली फादर लव्स मी, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम, सो प्लीज्ड विद मी, इतना खुश है मुझसे, ही इज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट मी टू ऑल द एंजल्स, और दूतों के बीच में मेरे बारे में घमंड कर रहे हैं, आई नो माई फादर लव्स मी, मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, बिकॉज़ गिवन अ बिग पार्टी व्हेन आई केम टू हिम, और जब मैं उसके पास आता हूँ बड़ा बड़ा फीस्ट मेरे लिए रखा, यीशु मसीह को ग्रहण किया स्वर्ग में, प्रभु जी बहुत बड़ा फीस्ट, all angels were dancing and singing there, दूत लोग गाते हैं नाचते हैं, आई नो माई हेवनली फादर लव्स मी, मैं जानता हूँ मेरा पिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, because he has taken away, rooted out everything which he has not planted in my life, जो भी मेरे चीज में प्रभु की ओर से नहीं था उन सारी बातों को उखाड़ दिया, he has taken away from my life all the debts, और मेरी सारी कर्ज को निकाल दिया, all my anxiety, depression, मेरा चिंता, मेरा निराशा, तनाव, my addictions, मेरे नशा, मेरे गरीबी, my sin, मेरे पाप, everything has taken away, उसने पूरी तौर से उखाड़ दिया, I am blessed, मैं आजाद हूँ, Hallelujah, I know my father loves me. मैं जानता हूँ मेरा पिता मुझे प्रेम करता है. He carries my burdens. और मेरे बोझ को उठा लेता है. And gives me good gift. और मुझे अच्छी तोहफा देता है. Good and perfect gift comes from him. और अच्छी तोहफा प्रभु से आता है. He has taken away all my fear. और मेरा सारा डर को निकाल दिया. Like a mother, he comforts me. और एक माँ के समान मुझे तसल्ली देता है. Finally, I know my father loves me. मैं जानता हूँ मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है. He's coming home. He's coming to take me home. और वो मुझे घर ले जाने के लिए आ रहा है. Death is not a fear for me. वो मौत मुझे डर नहीं है. Because he's coming to take me home. क्योंकि वो मुझे लेने के लिए घर ले जाने के लिए आ रहा है. Forever and ever and ever with my heavenly father. मैं स्वर्गीय पिता के साथ हमेशा 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 के लिए जी. Heaven is full of joy. स्वर्ग पूरा आनंद से भरा. Heaven is full of party. और स्वर्ग पूरा पार्टी से भरा है. It's a great place to be. अब वो उत्तम जगह जहाँ पर होने you and I am going there. आप और हम स्वर्ग जा रहे हैं. Jesus coming soon. यीशु मसीह जल्द आने वाला है. So receive his love today, my beloved. आज उसके प्रेम को स्वीकार करिए. God says even a mother can forget a baby. माँ अपने बच्चे को भूल सकता है. Even the child within a womb. माँ अपने कोख में होने वाला बच्चों को भूल सकता है. But my God will not leave you. मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा. My God will never forget you. वो मुझे कभी भी भूलेगा. He has engraved you in the palms of his hand. उसने मेरे अपने हाथों में मेरे तस्वीर को खोद रखा है. Isaiah 49 says. यशायाह की किताब 39 कहता है. Hallelujah. Your father loves you. आपका पिताजी आपसे प्रेम करता है. Today receive the healing in your heart. वो चंगाई को आप पाइए दिल में. आइए हम प्रार्थना करेंगे. उससे पहले पास्टर सेलिंग के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे. प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे. आज का वचन अद्भुत है. कितने लोग सुना? सुना वचन? कितनी अद्भुत है. वो हमारा डैडी है. He's our father. हम उसका बेटा है. We are his children. जब ये रिश्ता आप जानेगा, if you know this relationship, आप कभी भी अकेला नहीं. You'll never be the same. You'll never be alone. अगर आप अपनी माँ बाप के प्रेम को नहीं महसूस करें, maybe you've not understood God your father's love. आज समर्पण करें. Surrender your life. वो प्रभु आपसे प्रेम करे. God loves you. आइए उस प्रभु की आराधना. Let's worship him. Thank you, Lord Jesus. Lift up your hands. तूने प्यार किया मेरे प्यार से, तूने प्यार किया माँ से, गहरा है प्यार तेरा माँ से, गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया.
पहले बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, यीशु मसीह को पहले बार सुन रहे हैं, प्रार्थना मेरे पीछे कर, अपनी आंखों को बंद कर, हाथों को उठाई, मेरे पीछे बोल, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप, मुझे तू क्षमा, अपने लहू से धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, आप मेरे लिए आए, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए, आप जिंदा, यीशु मसीह, आप ही मेरा प्रभु, मैं आपके लिए जी हूँ, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण, आज सबने कहा आमें। आपका उद्धार हो गया, you have been saved. आज से आपका परमेश्वर प्रभु पिता यीशु मसीह हो गया, आइए हमारा आत्मा करें, shall we worship? मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, मैं नूर के समान रहूंगा, फिर से तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया जीवन में आज तक कोई भी आपसे प्रेम नहीं किया, आज हम बोलने आए कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, आपके बाजू में यीशु मसीह खड़ा होकर आपको वो हग कर रहा है, आपको वो चुम्बन कर रहा है, आपको महसूस कर रहा है, you are experiencing it right now. आइए जल्दी से प्रार्थना करें। Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद। Heavenly Father, we thank you. आज के वचन के लिए धन्यवाद। Thank you for this today's message. तेरे दासी को तूने इस्तेमाल किया। You used your servant. महिमा के द्वार। For your glory. जो सुना हुआ वचनों के सामने। The word that we heard. हम अपने आप को झुकाते हैं। Lord, we humble ourselves. क्योंकि आप हमसे प्रेम करता है। Love us, O Lord. जो आपके प्रेम के लिए तरसता है। Those who are hungry for your love. आज आप अपने प्रेम से उन्हें भर रहे हैं। You are filling them with your love. प्रेम की नदी बह रहा है, रिवर्स ऑफ लव इज फ्लोइंग हियर, टूटे हुए दिलों को तू जोड़ रहा है, धन्यवाद, लॉर्ड यू आर हीलिंग द ब्रोकन हार्टेड, वो चोट खाए वाला मन और दिल को तू छू रहा है, धन्यवाद, टचिंग द वुंडेड माइंड एंड हार्ट, स्पर्श कर, टच देम, जो हमें सुन रहा है, Those who are hearing us, वो तेरे प्रेम से भर जाए, let them be filled with your love, क्योंकि तू प्रेमालु परमेश्वर, you are loving God, तू भरता है प्रेम से, you fill us with your love, पवित्र आत्मा हमारी मनों में प्रेम उंडेलता है, God, Holy Spirit, fill us with your love, वो प्रेम से भर रहा है, इसलिए you're filling us with your love, we thank you. जो प्रेम से भरेगा सारी जीवन तेरा प्रेम पे चलेगा, प्रभु they will always walk in your love. सारी बीमारी नष्ट हो जाए, and that every sickness be destroyed in Jesus. कठोर दिल को, पत्थर वाले दिल को, मांस वाला दिल, the hard heart become a soft, तेरा प्रेम वो करता है, धन्यवाद, Your love is in their hearts. सारी महिमा तुझे, give you all the glory. तू ही उसके योग्य, you're worthy. सबों को तूने चंगा किया, धन्यवाद, healed everyone, we thank you. एक भी व्यक्ति
not one बिना चंगाई पाए without healing वो जाएंगे they will not go away क्योंकि आप चंगाई का दाता because you are the healer आशीष किया था निभा thank you for blessing us सारी परिस्थितियों पर विजय दिया था निभा gave us victory on every area आशीष किया था निभा you blessed us यीशु के नाम से मांगता हूँ Jesus name we pray. सुना ग्रहण आज सबने कहा All God's people said, आमें। आमें। हर रोज सुबह हम आते 7 बजे आप लोग भी हमारे साथ आए जिनके हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की महिमा करेंगे ग्लोरीफाई गॉड प्रभु ही जिंदा है पिता परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह की अनुग्रह पवित्र आत्मा की सौभाग्य हम सबों के साथ यीशु की बादलों में आने बने रहे और सबने कहा आमेन 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 बोलो बोलो यीशु मसीह की से भी